So guys, what's up? What's up? What's up? Good morning. Good morning. Good morning to all of you. Welcome back to the beautiful journey of law. Good morning. Good morning. Good morning. और सुनो, कैसे हो तुम सब? क्या हाल चाल? कह रहा आज आप 5 मिनट लेट हो गए. हाँ यार, वो आज थोड़ा सा. और सुनाओ, बढ़िया एकदम मस्त. रिवाइज करके आए हो? बिना रिवाइज करे अगर तुम बैठे हो अभी तो बहुत पिटोगे, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत पिटोगे. गुड मॉर्निंग. अच्छा, ईमानदारी से बताओ, रिवाइज करें? कल तक जितना पढ़ लिया था वो रिवाइज किया है? मैं अभी तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और अगर तुमने नहीं बताए तो तुम गए. जल्दी से बताओ, रिवाइज करा है? चलो ठीक है, देखते हैं अभी कितना रिवाइज करा है तुमने. अभी 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 2-3 क्वेश्चन में सामने आ जाएगा कि तुमने कितना रिवाइज करा है. ठीक है, चलो एक बार पहले पूरा गो थ्रू करते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी. ठीक है, आ जाओ. सर, हमने स्टार्ट किया कि वी हैव टू स्टडी कंपनीज एक्ट. ठीक है, जो कंपनीज एक्ट होता है ना सर, वो किस पे लगता है? वो पार्टनरशिप पे लगेगा. अरे नहीं ललू, वो किस पे लगेगा? कंपनी पे लगेगा. तो हमने कल यहां से स्टार्ट किया था कि सर कंपनी का मतलब क्या होता है. तो हमने बोला कंपनी का मतलब होता है सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. राइट, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या लिखा हुआ है सर? 2 क्लॉज 20 बोलता है कंपनी मींस अ कंपनी, यानी कंपनी का मतलब एक कंपनी होगा, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा. थोड़ा याद करो, कंपनी का मतलब एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा. कंपनी मींस अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, जो या तो सर इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर किसी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड है. इस एक्ट में रजिस्टर्ड होने का मतलब या तो वो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई या फिर वो किसी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर हुआ. तो प्रीवियस लॉ में रजिस्टर हुआ मतलब सर या तो वो कंपनीज एक्ट 1956 में बना या फिर वो कंपनीज एक्ट 1913 में बना या फिर वो कंपनीज एक्ट 1882 में बना. और बिना देखे याद करो, ऐसे रिवाइज करो बिना देखे, या तो वो कंपनीज एक्ट 1956 में बना होगा या फिर वो कंपनीज एक्ट 1913 में बना होगा या फिर वो कंपनीज एक्ट 1882 में बना होगा या फिर वो कंपनीज एक्ट 1856 में बना होगा या फिर वो कंपनीज एक्ट 1850 में बना होगा. सर इनको इंक्लूड क्यों किया गया था? इनको इंक्लूड इसलिए किया गया था कि अगर हम इनको इंक्लूड ना करते तो एक प्रॉब्लम ये हो जाती कि जिस एक्ट में वो कंपनी बनी होती वो एक्ट तो खत्म हो गया, जिस एक्ट में वो कंपनी बनी होती वो एक्ट तो खत्म हो गया. और आज जो एक्ट चल रहा है अगर उसमें हम इसको इंक्लूड ना करते तो वो कंपनीज अनरेगुलेटेड रह जाती. तो इसलिए इन्होंने ऐड करा किसको? एनी अदर प्रीवियस लॉ. अच्छा सर एक बार बताओ, इस एक्ट में कंपनी रजिस्टर हुई उसका मतलब क्या होता है? इस एक्ट में कंपनी रजिस्टर होने का मतलब कि सेक्शन नंबर 7 में आपने इनकॉर्पोरेशन कराया होगा कंपनी का. तो जब आपने इनकॉर्पोरेशन कराया होगा तो आपने फॉर्म फाइल किया होगा INC 32, और जब INC 32 फाइल किया होगा तो सर ये INC 32 कौन फाइल करता है? तो INC 32 फाइल करते हैं जो लोग मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं. सर ये लोग कितने होते हैं? तो मैंने बोला अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए आपको? 2. और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए? 7. ऐसा कहां लिखा है? ऐसा लिखा है सेक्शन नंबर 3 में. ऐसा कहां लिखा है? ऐसा लिखा है सर सेक्शन नंबर 3 में. ओके सर, फिर उसके बाद जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो आरओसी आपको क्या इशू करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. और जब आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है तब वो कंपनी फॉर्म हो जाती है. और सर जब वो कंपनी फॉर्म हो जाती है तो ये जो पर्सन थे ना, पर्सन मैंने बोला जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो वहां लैंग्वेज में क्या लिखा है? 2 or more persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एंड 7 or more persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी. Here, 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए आपको क्या बनाने के लिए? प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए. और 7 या 7 से ज्यादा लोग चाहिए आपको कितनी? एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए. ओके सर, बट सर सेक्शन 4 बोलता था कि एवरी सब्सक्राइबर. नाउ व्हाट इज सब्सक्राइबर? तो जो 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए होते थे या 7 या 7 से ज्यादा लोग चाहिए होते थे वो पर्सन थे जब उन्होंने कंपनी बनाई, तो उसके बाद वो बंदे सब्सक्राइब करेंगे टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मतलब कि हर सब्सक्राइबर एक एक शेयर एटलीस्ट लेगा ही लेगा. और फिर मैंने बोला था कि अगर हर सब्सक्राइबर एक एक शेयर एटलीस्ट लेगा तो जो व्यक्ति शेयर लेगा और जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में चढ़ जाएगा हम उसे बोलेंगे कि वो कंपनी का क्या है? मेंबर है. इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, वो कंपनी का क्या है? मेंबर है.
फिर हमने बात करी कि सर जो कंपनी होती है वो दो प्रकार से शेयर इशू कर सकती है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट से और एक पब्लिक इशू से। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, अगर हम बात करते हैं किसकी, प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती। बट प्राइवेट कंपनी सर, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। तो हमने बोला सर पहले ये बताओ प्राइवेट कंपनी होती क्या है, तो इन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी होनी तो क्या चाहिए, वही कंपनी जो 2 clause 20 में डिफाइंड है, पहले तो वो कंपनी होनी चाहिए विच एज अ मिनिमम बिल्डअप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, पर अभी तक यहां पर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तीन बातें लिखी होनी चाहिए, बताओ क्या क्या तीन बातें लिखी होनी चाहिए सर, एक एक रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, एक प्रोहिबिशन होनी चाहिए और एक लिमिटेशन होनी चाहिए। एक बार दोबारा याद करो, एक रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, एक प्रोहिबिशन होनी चाहिए और एक लिमिटेशन होनी चाहिए। सर रेस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि आप अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब दोबारा याद करो सर, शेयर ट्रांसफर ही नहीं कर सकते या फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपको शेयर ट्रांसफर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, आप उनके पास जाओ और उनको बोलो कि मैं एग्जिट लेना चाहता हूं, क्या आप शेयर खरीदना चाहते हो। अगर वो लोग मना करते हैं तो हम बाहर बेच सकते हैं, अगर वो लोग खरीदने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इट इज ओके, फिर आप वो शेयर उनको बेच दो, है ना। तो उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। और सर इसी राइट को जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था उसके पास ये राइट होता है, हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है वो मना कर दे, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो अच्छी बात है, पर अगर वो मना करता है तो इसी राइट को क्या बोला जाता है, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। मतलब उसके पास ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, पहले उसके पास जाओ, वो मना करेगा फिर बाहर वालों के पास जाना। सर दूसरा लिमिट करता है द नंबर ऑफ मेंबर 200, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्राइवेट कंपनी कैन बी 200, इससे ज्यादा नहीं हो सकते सर। जिसमें 200 की लिमिट में किस किस को काउंट नहीं करना था सर, दो लोगों को काउंट नहीं करते, पहला जो प्रेजेंट एम्प्लॉई है यानी हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ऐसे एम्प्लॉइज जो कंपनी के मेंबर्स भी है और अभी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में भी है, मतलब दे आर द कंपनी के एम्प्लॉइज ऑल्सो एंड मेंबर्स ऑल्सो, तो ऐसे लोगों को हम काउंट नहीं करते। दूसरी एक्सेप्शन थोड़ी सी टेढ़ी सी थी, उसने क्या बोला था, persons who having been formerly in employment, यानी आप पास्ट में कभी एम्प्लॉयमेंट में रहे हो एंड when you were in the employment you were the member of the company and you have continued to be the member, आपकी एम्प्लॉयमेंट सीज हो गई बट उसके बाद अभी भी आप क्या हो, मेंबर की तरह कंटिन्यू कर रहे हो, तो हम आपको क्या नहीं मानेंगे, 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। प्रोवाइडेड अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर जॉइंटली शेयर ले लेते हैं तो फिर हम उसको एक सिंगल मेंबर मानते हैं, दो मेंबर नहीं मानते हैं। और सी पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रोहिबिट। सर प्रोहिबिट का मतलब एब्सोल्युटली मना है कि आप ये काम कर ही नहीं सकते। तो प्रोहिबिशन में बोला गया सर एनी इनविटेशन टू पब्लिक, आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, आप पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकते टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की सिक्योरिटी के लिए आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते। अब यहां शब्द लिखा है सिक्योरिटी और ऊपर फर्स्ट वाली कंडीशन में शब्द क्या लिखा था, शेयर, यानी दोनों में डिफरेंस क्या हुआ सर, शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है बट सिक्योरिटी का पब्लिक इशू नहीं आ सकता, सिक्योरिटी में शेयर भी आएगा और सिक्योरिटी में डिबेंचर भी आएगा। यानी कि सर ना तो प्राइवेट कंपनी शेयर्स का पब्लिक इशू ला सकती है ना ही प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स का क्या ला सकती है, पब्लिक इशू ला सकती है। सर व्हाट इज पब्लिक इशू, तो हमने बोला कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 200 लोगों तक को सिक्योरिटी ऑफर करती है तो उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, उसे क्या बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो वैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के जो टोटल प्रोविजंस हैं वो गिवन है अंडर सेक्शन 42, ठीक है, अंडर सेक्शन 42, तो वो डिटेल में तो वहीं पे आएगा, बट अभी इतना जान लो अगर एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर कंपनी 200 से एग्रीगेट मिला के 200 से ज्यादा लोगों को अगर सिक्योरिटीज ऑफर कर देती है तो फिर वो क्या बन जाता है आपका, पब्लिक इशू। और अगर 200 तक आप सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो तो फिर वो क्या रहता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए थे कि सर कोई कंपनी है क्या वो कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में 300 लोगों को शेयर्स दे सकती है, तो मैंने बोला नो, क्योंकि अगर 200 से ज्यादा करोगे तो पब्लिक इशू हो जाएगा, तो आप ये नहीं कर सकते। सर क्या 200 लोगों तक को शेयर दे सकती है, हाँ सर। फिर मैंने बोला क्या एक कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में 300 लोगों को डिबेंचर दे सकती है, तो हमने बोला नो, क्योंकि सिक्योरिटी का पब्लिक इशू लाना मना है, ना तो आप शेयर्स का पब्लिक इशू ला सकते हो और ना ही आप डिबेंचर का पब्लिक इशू ला सकते हो। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, और एक फाइनेंशियल ईयर में, ओहो एक फाइनेंशियल ईयर में क्या हम सर 200 लोगों को शेयर दे सकते हैं, हाँ सर दे सकते हैं। फिर हमने एक, मान लो एक फाइनेंशियल ईयर में हमने 200 लोगों को शेयर दे दिए, क्या उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम 100 लोगों को और शेयर ऑफर कर सकते हैं, तो देखा जाए तो एज पर प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप ही ने तो बोला सर कि एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों तक को शेयर दे सकते हो, तो यहां तो इस हिसाब से हम दे सकते हैं।
बट फिर आपने नो क्यों लिखा? वो नो इसलिए लिखा था कि अगर यहां पर भी 200 लोगों को शेयर दे दिए गए और यहां पर भी 100 लोगों को शेयर फिर और दे दोगे तो यहां 300 मेंबर बन जाएंगे, बट सी कंडीशन तो तुमने कंप्लाई कर ली कि ठीक है हम पब्लिक इशू नहीं लेकर आ रहे, हम एक साल में 200 लोगों तक को ही शेयर ऑफर कर रहे हैं, बट सी कंडीशन को कंप्लाई करने के चक्कर में हम बी कंडीशन को वायलेट कर दिए, और बी कंडीशन में क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं 200, वो गलत हो जाएगा। और ई क्लॉज में क्या लिखा गया, ई वाले केस में, सर क्या हम 200 लोगों को डिवेंचर दे सकते हैं? यस, अगले साल फिर कंपनी ने 100 लोगों को फिर डिवेंचर ऑफर करा, क्या ये कर सकते हैं? हाँ, और ये अलाउड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो डिवेंचर होल्डर्स मेंबर्स नहीं होते, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो पर ऐसा नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। और ये वाले केस में क्या हो रहा है सर, इसका मतलब तो ये हो गया ना, आप ये बोलना चाह रहे हो हर साल हम 200 200 200 200 करके क्या कर सकते हैं, डिबेंचर ऑफर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट में अलाउड है, बट पब्लिक इशू नहीं ला पाओगे आप। इज इट क्लियर? प्रोवाइडेड दैट वाले में एक बार दोबारा, प्रोवाइडेड दैट वाला ये लिखा हुआ था कि अगर मान लो दो लोग मिलकर एक शेयर खरीद लेते हैं कंपनी के, मतलब कुछ भी शेयर्स खरीद लेते हैं, तो उन्हें दो शेयर होल्डर ना मानकर उन्हें हम एक ही शेयर होल्डर यानी ज्वाइंटली एक सिंगल मेंबर मानेंगे। सो ए और बी ने मिलकर मान लो एक के प्राइवेट लिमिटेड के 1000 शेयर्स ले लिए, तो ये ए और बी दो मेंबर्स नहीं माने जाएंगे, ये एक मेंबर माना जाएगा। 200 की जब आप काउंटिंग करोगे ना, तो इनको आपको दो नहीं मानना, इनको आपको एक मानना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले आगे। हाँ सर, इसके बाद इसके बाद इसके बाद हमने केसेस बनाए थे, ये सब आपने पढ़ लिए थे। ठीक है, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल मैंने तुमको बता दिया, 200 मेंबर वाली लिमिट भी मैंने बता दी, उसके बाद ये केसेस हमने बनाए थे। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, कहो तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं जिसके तुम मुझे आंसर दे दो, मेरे को पता लग जाएगा कि तुमने रिवाइज करा या नहीं करा, पक्की बात। पूछ लूं, आ जाओ फिर। लेट्स सी। हाँ, वो प्रोवाइजो जो है ना, मैं एक चीज बताता हूं, देखो सुनो सुनो सुनो, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक बच्चे ने एक चीज पूछी, ये प्रोवाइडेड दैट क्या लिखा हुआ है, सुनो। जब भी कभी हम सेक्शन पढ़ते हैं ना, तो सेक्शन की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, मतलब सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो सेक्शन में क्या क्या लिखा रहता है, मतलब कैसे कैसे उसको पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपने लिखा सेक्शन, सेक्शन के बाद उसमें आता है सब सेक्शन। सर आप तो 2 clause 20 बोलते हो सीधा, आप हमें पागल बना रहे हो, आप तो सीधा 2 clause 20 बोलते हो, और आप इधर बोल रहे हो सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है और फिर उसके बाद क्या आता है, क्लॉज आता है। तो कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ केसेस में सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, कुछ कुछ केसेस में सेक्शन के बाद डायरेक्टली क्या आता है, क्लॉज आता है। सर ऐसा हमें कैसे पता लगेगा, तो मैं बताऊंगा ना, वो मैं बताऊंगा ना कि कब ऐसा होता है, जब सेक्शन के बाद पहले क्या आएगा, सब सेक्शन आएगा, और सब सेक्शन के बाद क्या आएगा, क्लॉज आएगा। बट कभी 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 सेक्शन के बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा, क्लॉज आ जाएगा, बट वो कब आएगा वो मैं बताऊंगा। तो ये जो प्रोवाइजो होता है ना, ये ऐसा एक एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है कि प्रोवाइडेड दैट, ये वाले केसेस में ऐसा रहेगा। तो सेक्शन आता है, सब सेक्शन आता है, फिर उसके बाद क्लॉज आता है, और क्लॉज के बाद क्या आता है, सब क्लॉज आता है, क्लॉज के बाद क्या आता है, सब क्लॉज लिखा रहता है। बट मैं फिर बोल रहा हूं, किसी किसी केस में डायरेक्टली सेक्शन के बाद सीधा क्या आ जाएगा, सब सेक्शन आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, फिर इसके बाद यहां क्या लिखा रहता है, प्रोवाइडेड दैट, दिस इज कॉल्ड प्रोवाइजो, ये बोला जाता है प्रोवाइजो। यानी यहां पर जो प्रोवाइडेड दैट से आगे कहानी स्टार्ट होगी ना, जब ये सेक्शंस वगैरह में जो कंटेंट है वो खत्म हो गया, उसके नीचे क्या स्टार्ट होगा, प्रोवाइडेड दैट। तो ये हो गया प्रोवाइजो, दिस इज योर फर्स्ट प्रोवाइजो, ऐसे बोलेंगे, दिस इज द फर्स्ट प्रोवाइजो। एक बार दोबारा बोलो मेरे साथ, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रोवाइजो। सर मान लो इसी में, इसी सेक्शन में एक और चीज डालनी है प्रोवाइजो में, तो फिर वो कैसे करेंगे, तो हम यहां इसके बाद लिखते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट। क्या लिखते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। ठीक है,
यहां लिखते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट। सर फिर इसके बाद दोबारा एक और प्रोविजो डालना है तो क्या लिखेंगे, तो फिर लिखते हैं प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। और यही यही लॉ लिखने की टेक्निक है। तो आप कभी भी खुद भी लिखते हैं ना तो ये चीज का ध्यान रखें कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, हम पहले प्रोवाइडेड दैट लिख देते हैं फिर उसके बाद प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, तो यही प्रोविजन कैसे लिखना है बस यही एक आर्ट है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोवाइडेड दैट, फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट, फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। ठीक है, अब तुम्हारा यहां पे क्वेश्चन आना चाहिए था, मैं चाह रहा हूं तुम वो क्वेश्चन पूछो फिर मैं तुम्हें आंसर करूं। तुम्हारा यहां पर एक क्वेश्चन आना चाहिए था, बताओ क्या क्वेश्चन आना चाहिए था, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन तो आना चाहिए था यहां पे, एक क्वेश्चन तो बनता है जो जो एज अ स्टूडेंट तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। मुझे बताओ इसके बाद तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आया है। सर मान लो फर्स्ट प्रोवाइजो था हमने लिख दिया प्रोवाइडेड दैट, सेकंड प्रोवाइजो था हमने लिख दिया प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और थर्ड प्रोवाइजो था हमने लिख दिया प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। पूछो पूछो पूछो, आई नो दैट एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, पक्का आएगा। मैं जानता हूं एक क्वेश्चन आएगा। सर एक बात बताओ, बोलो ना सर एक बात बताओ। मान लो आप तो बोले कि पहला प्रोवाइजो आएगा तो लिख देना प्रोवाइडेड दैट, सेकंड प्रोवाइजो आएगा तो लिख देना प्रोवाइडेड फर्दर दैट, थर्ड प्रोवाइजो आएगा तो लिख देना प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। हाँ, अगर फोर्थ होगा तो क्या होगा, तो क्या हम यहां पर लिखेंगे प्रोवाइडेड ऑल्सो ऑल्सो दैट? ना लायक लिख रहा है प्रोवाइडेड ऑल्सो ऑल्सो दैट। इसके बाद अगर फोर्थ भी आएगा ना तो लिखेंगे प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, बस एंड दिस गोज ऑन। पांचवा भी आएगा तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, छठा भी आएगा तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। ठीक है, चलो। सो दिस इज हाउ यू विल फ्रेम द सेक्शन। ठीक है, इस तरीके से वो कंटेंट लिखा रहेगा। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे फटाफट से चटाकेदार आंसर दे दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि तुमको समझ में आ गया है, उसके बाद मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूं। एक दो क्वेश्चन के आंसर दे दो बस मुझे, तुम पक्का दे दोगे? लेट्स सी, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, टन लो। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो, कहो तो मैं क्वेश्चन समझा दूं। एक कंपनी है जिसका नाम है जेठा प्राइवेट लिमिटेड। ओहो, जिसका नाम क्या है? जेठा प्राइवेट लिमिटेड, यू नो जेठा, जेठा प्राइवेट लिमिटेड। और इस जेठा प्राइवेट लिमिटेड में ना जो टप्पू है ना, टप्पू वो एम्प्लॉई है, जो टप्पू है वो क्या है? एम्प्लॉई है। और टप्पू ने कितने शेयर्स खरीद लिए? 2000 शेयर्स खरीद लिए सर, जब वो एम्प्लॉयमेंट में था। ये बंदा इस कंपनी में एम्प्लॉई था, और उसके बाद कंपनी ने इसको कितने शेयर्स दे दिए? 2000 शेयर्स दे दिए। ओके सर, 2000 शेयर्स दे दिए। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले यहीं पे रुक के, As on this date, जैसे इसको ये 2000 शेयर्स मिले होंगे, इसका नाम ROM में चढ़ गया होगा। इसका नाम ROM में चढ़ गया होगा, यानी इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गया होगा। सर जैसे ही इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आया होगा तो ये मेंबर बन गया होगा। बट क्या ये टप्पू इस दिन 200 की लिमिट में काउंट होगा? क्या ये इस दिन 200 की लिमिट में काउंट होगा? I want answer from each and every person. क्या ये इस दिन 200 की लिमिट में काउंट होगा? जल्दी से बताओ, क्या ये इस दिन 200 की लिमिट में काउंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस दिन ये बंदा प्रेजेंट एम्प्लॉई है। सर ये तो प्रेजेंट एम्प्लॉई है ना, ये आज एम्प्लॉई है, और इसको क्या मिल गए? शेयर भी मिल गए। तो क्या इसको हम 200 की लिमिट में काउंट करेंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, आप इसको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे ना। तरुण ये देख, तरुण बोल रहे कि सर मेरे हिसाब से तो ROM में भी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होता। मैंने क्या बोला था, आप सिर्फ सेक्शन 2 क्लॉज 68 जो ये पढ़ते हो, और उसमें जो वो तीन हम रेस्ट्रिक्शंस पढ़ रहे हैं, बस उस पर्पस के लिए इन्हें हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं कर रहे, बट बाकी प्रोविजन तो इन पे लगेंगे ना। ऐसा थोड़ी है। अब एक बात बताओ, मान ले तरुण तू ही है और तू एम्प्लॉई है इस कंपनी का, ठीक है, और तेरे को इस कंपनी के शेयर भी मिल गए, तो कल को जब डिविडेंड बांटेगी कंपनी
तो तुझे डिविडेंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मेरा तरुण से क्वेश्चन है, बाकी सब छोड़ दो भाई, मैं और किसी से बात नहीं कर रहा। तरुण तू मुझे बता कि अगर मान ले तू एम्प्लॉई है और तेरे को कंपनी ने 2000 शेयर्स दे दिए एज एन एम्प्लॉई, ठीक है, तो तेरे को डिविडेंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो तेरे को डिविडेंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? और तू अगर कंपनी में जाएगा, किसी मीटिंग में जाएगा, तो तेरे को वोटिंग राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, लॉ छोड़ो। कह रहे हाँ जी, देख रहे हो इसको, कह रहे हाँ जी, कितना स्वार्थी है। कह रहे हाँ जी, और क्या, क्यों नहीं मिलेगा हमको राइट? यानी कि डिविडेंड राइट मिलेगा, तो यू आर अ मेंबर ना, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ मेंबर, बस आपका नाम सिर्फ आपका। कह रहे बिल्कुल मिलना चाहिए, सिर्फ आप 200 की लिमिट में काउंट नहीं हो रहे हो, ठीक है? आप मतलब हम 200 की जो मैक्सिमम लिमिट देखते हैं उसमें आपकी काउंटिंग नहीं होगी, बट यू आर अ मेंबर, तो आपको सारे राइट भी मिलेंगे, वोटिंग राइट भी मिलेगा, डिविडेंड राइट भी मिलेगा, सो आपका नाम आरओएम में भी आएगा। तो ये बंदा प्रेजेंट एम्प्लॉई है, तो इस दिन तो मैं बोलूंगा नो, ये इस दिन 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। कहानी समझ आ गई? हां सर, आ गया। फिर भाई ने क्या करी, जॉब छोड़ दी। अब जब यहां पे जॉब छोड़ी उसके बाद अभी भी ये कंटिन्यू टू मेंबर है, क्या मैंने टाइमलाइन में कहीं पर भी ये बनाया कि जॉब छोड़ने के बाद इसने शेयर बेच दिए? यानी मैंने अगर नहीं लिखा कि जॉब छोड़ने के बाद इसने शेयर बेच दिए, तो मुझे बताओ यहां पर ये बंदा 200 के लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा? काउंटेड इन 200 और नॉट, काउंटेड इन 200 और नॉट, जल्दी बताओ, काउंटेड इन 200 और नॉट? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर अब उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, बट ही कॉन्टिन्यूज टू बी अ मेंबर, तो ये कौन सा वाला एम्प्लॉय बन गया? पास्ट एम्प्लॉय। तुम जब यस नो लिखते हो ना, हाँ करेक्ट, वेरी गुड कृतिक, तुम जब लिखते हो ना तो तुम साथ में लिखा करो कि क्यों नहीं कर रहे हम, प्रेजेंट एम्प्लॉय की वजह से नहीं कर रहे या पास्ट एम्प्लॉय की वजह से नहीं कर रहे, ठीक है, ये लिखा करो। तो हम यहां क्या लिखेंगे, नो सर यहां पर भी वो काउंट नहीं होगा क्योंकि अब वो पास्ट एम्प्लॉय बन चुका है। अच्छा, अब अगर वो पास्ट एम्प्लॉय बन गया है तो भी हम उसको काउंट नहीं कर रहे, पर ये कहां लिखा हुआ है कि ही इज कंटिन्यू टू बी अ मेंबर? सर मैंने यहां बोला कि उसने जॉब छोड़ दी, पर मैंने ये कहां बोला कि उसने शेयर बेच दिए, तो सर क्या पता बेच दिए होंगे, ऐसे नहीं होता। यही गलतियां हम क्वेश्चन पेपर में करते हैं, जब क्वेश्चन पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना तो मेक श्योर कि आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे। आपके पास कितनी मर्जी बुद्धि हो, मैं मानता हूं कि एग्जामिनर से ज्यादा नॉलेज आपको होगी, ठीक है, बट never ever add or delete something from the question. Whatever the question is being given to you, you have to solve it like that only. आपको उस प्रश्न को वैसे ही सॉल्व करना है, आपको उस क्वेश्चन में कुछ भी जोड़ना या हटाना नहीं है, ठीक है, कुछ भी ना तो ऐड करना है, अपनी मर्जी से कुछ प्रिज्यूम नहीं करना कि हाँ इसमें मैं ये ऐड कर देता हूं और फिर आंसर ऐसे बना रहता हूं, डोंट डू लाइक दैट। कुछ भी डिलीट नहीं करना कभी भी क्वेश्चन में, ना तो कुछ जोड़ते हैं ना कुछ हटाते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया एज इट इज उसको अपने आप से सॉल्व करके आना, ठीक है। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन तो तुमने भाई निकाल दिया एकदम बढ़िया तरीके से, मेरे को लग रहा है सेकंड में पक्का फंसोगे। आओ ठीक है, आओ सेकंड में तो तुम पक्का फंसोगे, इधर आओ, ये लो, एक कंपनी है भाई, उसका नाम है, देयर इज अ कंपनी एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन पैटर्न की तुम टेंशन ही ना लो ना यार, मैं तुमको क्वेश्चंस कराऊंगा, तुम इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो कि क्वेश्चन कैसा आएगा, हम कैसे लिखेंगे? भाई तुम सब छोड़ दो, मैं तुमको फिर बोल रहा हूं, तुम सब टेंशन छोड़ दो, सिर्फ पढ़ने में ध्यान लगाओ, बेस्टेस्ट तरीके से पढ़ो और बस मुझे ये कमिट करके दे दो कि सर हम 70 पार लॉ में लेकर आएंगे, बस बात करते, तुम मेरे से इतना वादा कर दो और मेरे को मार्क्स लाके दिखा दो 70+, और जो कि बहुत इजीली आ सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, कोई इतना मतलब बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, सर प्रमोशन, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, देयर इज अ कंपनी जिसका नाम क्या है, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें सैम जो है ना वो मेंबर है। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन के फैक्ट समझा करो आराम से, कि सैम जो है वो क्या है, मेंबर है,
ठीक है, सैम के पास ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर है बट वो इस कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, मुझे बताओ वो 200 के लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा? मुझे बताओ वो 200 के लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा? वो 200 की लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो, इतनी देर नहीं लेते भाई, इतनी देर नहीं लगाते हैं, बताओ बताओ बताओ, क्या वो 200 की लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली यस सर, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, वो बंदा 200 की लिमिट में काउंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर वो तो मेंबर है बट एम्प्लॉय थोड़ी है ना, वो प्रेजेंट एम्प्लॉय है ना पास्ट में कोई एम्प्लॉय रहा था, वो तो सिंपल एक मेंबर है, उसके पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स हैं, तो वो क्या काउंट होगा? 200 की लिमिट में काउंट होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब इस दिन क्या हुआ, वो बंदा जो है अब कंपनी का एम्प्लॉय भी बन गया। ओ यानी इस दिन वो क्या बन गया, कंपनी का एम्प्लॉय भी बन गया। सर अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय बन गया इस दिन, क्या वो 200 की लिमिट में काउंट होगा? बताओ क्या इस दिन वो 200 की लिमिट में काउंट होगा? जब वो कंपनी का एम्प्लॉय बन गया क्या वो इस दिन 200 की लिमिट में काउंट होगा? जल्दी बोलो सर, क्या वो इस दिन 200 की लिमिट में काउंट होगा? आंसर इज यस और नो, आंसर इज यस या नो, जल्दी बताओ नालायकों, यस या नो? आंसर इज नो सर। क्यों? नाउ ही बिकेम द प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एज पर प्रोविजन नंबर वन, जो एक्सेप्शन नंबर वन थी उसके हिसाब से ये बंदा अब 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगा क्योंकि सर अब वो प्रेजेंट एम्प्लॉय हो गया। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर्स सर। इसके बाद उसने कंपनी छोड़ दी बट कंटिन्यू टू बी द मेंबर है, क्या वो अब 200 के लिमिट में काउंट होगा? क्या वो अब 200 के लिमिट में काउंट होगा? जल्दी बोलो, क्या वो अब 200 के लिमिट में काउंट होगा? आंसर इज सर अगेन नो। बट यहां पर देखो, यहां नो बोलने का रीजन है, यहां नालायक कह रहे तरुण कह रहे आपके थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर भी ना नो है। भाई साहब नीचे से क्वेश्चन देख लिया इसने ऐसे करके एकदम, और कह रहे उसका आंसर भी नो है, पहले ये पढ़ ले ठीक है। यहां पर क्या बोलेंगे, नो सर। वाई नो? बिकॉज 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 सर यहां पर जो फर्स्ट वाला एक्सेप्शन है ना वो लग जाएगा, प्रेजेंट एम्प्लॉय वाला, और यहां पर हम बोल रहे हैं नो बिकॉज यहां पर क्या लग जाएगा आपका, सेकंड वाला एक्सेप्शन ठीक है। यस और नो? यस सर। अच्छा केस थ्री बस ये लास्ट है ठीक है। राहुल रिटायर्ड फ्रॉम केके प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, राहुल रिटायर्ड फ्रॉम केके प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जिसका नाम क्या है केके प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें एक एम्प्लॉय काम करता था जिसका नाम क्या था राहुल, और राहुल ने वहां से जॉब छोड़ दी, और जॉब छोड़ने के बाद उसने 1000 शेयर्स खरीद लिए, क्या ये बंदा 200 की लिमिट में काउंट होगा? मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, इसका आंसर दे दो केस थ्री का, क्या ये बंदा 200 की लिमिट में काउंट होगा? अगर तुमने इसका सही जवाब दे दिया, बट नहीं दोगे मेरे को पता है ना, तुम गलत दोगे आंसर इसका, आई नो। लेट्स सी कितने लोग सही देते हैं कितने लोग गलत देते हैं। ओके मुरारी झाई सिंह यस, ऋतिक इज सिंह यस, क्वेश्चन सिंपल सा है, अभी तो तूने क्वेश्चन कह रहे, आप क्वेश्चन रिपीट कर दो, अभी तो तेरे को मैंने क्वेश्चन बता दिया था। लक्ष्य कह रहा है यस, माधव कह रहा है यस सर। सर पहले ये बंदा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब एम्प्लॉय था, मेंबर नहीं था, इसने एम्प्लॉय छोड़ दिया, मतलब एज एन एम्प्लॉय कंपनी छोड़ दी, और कंपनी में छोड़ने के बाद फिर इसने शेयर खरीद लिए। अब जब शेयर खरीदे तो क्या ये 200 के लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा? बस मेरे को इतनी सी बात बता दो, मैं बोल रहा हूं ना, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन खतरनाक है। यस या नो? आंसर इज सर हम 11th में रहकर सीए इंटर की लॉ की तैयारी कर सकते हैं? नहीं नहीं
वैसा करके मीम लिए नहीं। हाँ जी, क्या ये 200 की लिमिट में काउंट होगा? जल्दी बोलो, आंसर इज ये 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। ऐसा कहना गलत है, आंसर इज यस। पर सर आप एक चीज देखो ना, ये काउंट नहीं होगा। मैंने बोला क्यों काउंट नहीं होगा, तो बोले कि देखो ना ये मेंबर भी है और ये पास्ट एम्प्लॉय भी है। तो जरा वो वर्ड याद करो, पास्ट एम्प्लॉय आप तब माने जाते थे व्हेन यू वर द मेंबर व्हाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट। अब वो वर्ड की महत्वता समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ दैट वर्ड व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट। यू वर द मेंबर व्हाइल यू वर इन एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबर थे। ये एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय था, इसके पास कोई मेंबर नहीं थे, कोई पास्ट एम्प्लॉय नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलता कि ये बंदा इस समय पे एम्प्लॉय भी था और मेंबर भी था और बाद में जॉब छोड़ देता और शेयर रखता तो ये काउंट नहीं होता, पर अभी ये 200 की लिमिट में काउंट होगा। इट इज एब्सोल्युटली यस। समझ में आ गई कहानी, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मस्त, एकदम मजा आ रहा है। चले आगे, चलो आगे, चलो सर यहां निपटती अपनी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, और अब मैं आगे लेके चलता हूं पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पे। आज चीजें थोड़ी और भारी होने वाली हैं। मेरे को एक बार बता दो, क्या हम उसके लिए रेडी हैं? हाँ सर, हम उसके लिए रेडी हैं। बस इतना सा लिख दो, हाँ सर हम उसके लिए रेडी हैं। आप कितना मर्जी भारी चीज हमें समझा दो, वी आर एवर रेडी। आ जाओ, अब हम लिखते हैं पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, आओ हेडिंग बनाओ, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन 2 clause 68, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 clause 71। सर ये सेक्शन याद करने क्या हो जाए तो अच्छी बात है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन 2 clause 68, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन 2 clause 71। लिखें पब्लिक कंपनी। सर व्हाट इज पब्लिक कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी? सर अगर 10/4 को परचेज करता और रिटायर हुआ तो काउंट नहीं होगा ना? अगर 10/4 को परचेज करता, पहले शेयर्स भी होते। हाँ ये कह रही कि सर अगर मान लो 10 मई से पहले इसके 10/4 के पास इसके पास शेयर्स होते और ये 10 मई को कंपनी छोड़ के चला जाता, बट ये देखना पड़ता कि फिर इस दिन भी ये बंदा शेयर रखता ना अपने पास। अगर रखता हाँ तो फिर काउंट नहीं होता इस दिन भी, ठीक है? फिर वो वाला केस बन जाता कि पास्ट एम्प्लॉय एंड कंटिन्यू टू बी द मेंबर। और अगर शेयर भी बेच देता तो फिर तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता, क्योंकि उसके पास शेयर भी नहीं है तो चेक ही क्यों कर रहे हो उसको कि मेंबर है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 clause 71। अब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखो क्या खतरनाक लिखी एकदम इन्होंने, तुमको लगेगा वाओ सर कितनी अच्छी डेफिनेशन है, मजा ही आ गया सर, सर मजा ही आ गया। लिखो एक बारी, मजा आएगा अभी। लिखो पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। वाओ सो ब्यूटीफुल, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यही टाइम पास करने बैठे हम, है ना? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, लॉ मेकर भी मजे ले लेते हैं। क्या बोला? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जाओ, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो पहले सीख क्या हो प्राइवेट क्या होती है, तो पहले सीख क्या हो प्राइवेट क्या होती है, क्योंकि जो प्राइवेट है वो प्राइवेट है और जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। सर प्राइवेट क्या होती है? प्राइवेट का मतलब जिसके आर्टिकल्स में वो तीन रेस्ट्रिक्शन होती है। अब दिमाग में नाम चीजें याद करनी शुरू करूं, जिसके आर्टिकल्स में वो तीन चीजें लिखी होती है। सर कौन सी तीन चीजें? रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन लिमिटेशन, दोबारा बोलो रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन लिमिटेशन, दोबारा बोलो रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन लिमिटेशन। सर जिसके आर्टिकल्स में वो तीन चीजें होती है वो प्राइवेट कंपनी होती है, यानी जिसके आर्टिकल्स में वो तीनों चीजें नहीं होंगी वो क्या मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। एंड 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 पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, और उतनी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब होगी। मुझे इतना बता दो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, कौन प्रिस्क्राइब करेगा? तुम बोले पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो कौन प्रिस्क्राइब करेगा?
हाँ जी, पेड अप शेयर कैपिटल, वेरी गुड सर। पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? सीजी। हम एमसीए तो ध्यान रखेंगे, पर हम क्या बोलेंगे? सीजी प्रिस्क्राइब करेगा। कहां प्रिस्क्राइब करेगा? रूल्स में। सर एमसीए दैट इज सीजी, सीजी प्रिस्क्राइब करेगा कहां पे? रूल्स में। क्लियर? पर अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब्ड है? नो सर। अगेन मैं बोलूंगा, आप दिमाग लगाकर बताओ इनडायरेक्टली कितनी प्रिस्क्राइब्ड होगी, मतलब कितने रुपए वो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, कल डिस्कशन हुआ था वो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, सर मिनिमम कितनी होनी चाहिए? कम से कम यहां पर कितने लोग बनाने के लिए चाहिए होते हैं? एटलीस्ट 7 पर्सन आर रिक्वायर्ड, यस। और अगर 7 लोग रिक्वायर्ड है तो कम से कम 7 रुपए की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल तो होगी ही होगी, क्योंकि हर व्यक्ति को कम से कम एक शेयर तो लेना पड़ेगा, उससे कम हो ही नहीं सकता। ब्यूटिफुल आंसर, परफेक्ट, वाओ, आगे चलो, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आया इसका क्लॉज नंबर 2। जो क्लॉज नंबर 2 था ना, उसने धुएं उड़ा दिए। और उसने 2 में क्या लिखा, एक बारी लिखो जर। पहले 5 लाख हुआ करती थी, वो जो पुराना एक्ट था ना उसमें लिखा था 1 लाख प्राइवेट के लिए, पब्लिक के लिए 5 लाख, बट अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिखो अ प्राइवेट कंपनी। ये जो लाइन लिखने जा रहा हूं ना, ये लाइन से इतनी चीजें कनेक्ट होने वाली हैं, एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डैम गुड थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी। सर बोलो ना, सर, हेलो हेलो सर, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और वो प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, वे अगर कोई, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, खड़ा हो, ऐसा सोना नहीं है, सोना नहीं है, जल्दी उठ के बैठो। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, सीधे होके बैठो, ऐसे बेड पे लेट के ऐसे एकदम पढ़ाई करेंगे, वो ऐसे लेट जाएंगे और ऐसे फोन लेके बैठे, नालायक। एक प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो हम उसे मानेंगे कि वो क्या है, पब्लिक कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो सर हम उसे मानेंगे कि वो भी क्या है, एक पब्लिक कंपनी। 2 मिनट के लिए मैं कह रहा हूं रोक लो, एक बार इमोशंस कंट्रोल कर लो कि सर ये सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। अभी के लिए मैं 2 मिनट रोक रहा हूं, मान लो कि हमको पता है, तुम लोग को सब्सिडरी कंपनी एक बार के लिए मान लो कि हमको पता है। ठीक है, अभी पूरी क्लास अपन यही कनेक्ट करते रहेंगे, पब्लिक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब इसी में घूमते रहोगे। पर 2 मिनट के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, मान लो कि कोई प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, तो हम उसे भी पब्लिक मानेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सर अगर कोई पब्लिक कंपनी जो सब्सिडरी बन जाती है किसकी, प्राइवेट कंपनी की, तो क्या उसे पब्लिक कंपनी बोलेंगे? हां सर, हम उसको एक तरीके से ये बोलेंगे कि वो प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है। ये लाइन मेरी याद रखना, बहुत देर बाद आज की क्लास में, बहुत देर बाद मैं इस लाइन पे लौटूंगा और मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ मैंने ऐसा कुछ बोला था या नहीं बोला था। अगर कोई कंपनी है विच इज अ प्राइवेट कंपनी और अगर वो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है ना, तो दैट प्राइवेट कंपनी इज टू बी कंसिडर्ड लाइक अ पब्लिक कंपनी। मतलब जिस प्रकार से ये कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी पे लगता है ना, उस प्रकार से ये कंपनीज एक्ट उस प्राइवेट कंपनी पे लगेगा। सर मतलब ये हुआ, अभी थोड़ा सा एडवांस में बता के चल रहा हूं, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है ना, वो प्राइवेट कंपनी पे थोड़ा अलग तरीके से लगते हैं, पब्लिक कंपनी पे थोड़ा अलग तरीके से लगते हैं। इज इट क्लियर सर? जैसे हमने एक प्रोविजन बताता हूं, आपने सुना है कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं? हाँ सर होते हैं, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है, ऐसा कभी कहीं सुना तो है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ओके सर, अगर प्राइवेट में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक को बोलते हैं 3 डायरेक्टर चाहिए। अब पब्लिक कंपनी के लिए प्रोविजन अलग है, प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोविजन अलग है। तो एक ऐसी प्राइवेट कंपनी, दोबारा, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, तो उस पर यह पूरा कंपनीज एक्ट इस प्रकार से लगेगा जिस प्रकार से किस पर लगता है, एक पब्लिक कंपनी पर लगता है। दोबारा बोलता हूं, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, तो उस प्राइवेट कंपनी पर ये पूरा एक्ट
इस प्रकार से लगेगा जिस प्रकार से एक पब्लिक कंपनी पर लगता है। कहानी समझ में आ गई, पर मैंने अभी पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन को पूरा क्लियर नहीं किया है। मैं अगर ये बोलता हूं इसकी फर्स्ट ये फर्स्ट कंडीशन को मैं एक्सप्लेन करूं तो बोलू प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो मतलब सर ये हुआ आर्टिकल्स में AOA में वो तीन पॉइंट कौन से तीन पॉइंट तुम मन में बोल लिया करो ऐसे एकदम से, रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन लिमिटेशन, ठीक है रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन लिमिटेशन, ये तीन पॉइंट नहीं होंगे इस कंपनी के आर्टिकल्स में, वो तीन पॉइंट नहीं होंगे ना रेस्ट्रिक्शन ना प्रोहिबिशन ना लिमिटेशन, ठीक है बोलो क्या हो गया तरुण, क्या क्वेश्चन मार्क भेज रहे हैं, इसको हम क्या नहीं मानेंगे पब्लिक कंपनी मानेंगे, मतलब जिसके आर्टिकल में वो तीन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी तक कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है। सेकंड क्लॉज जो है ना बस इसी पर मेरे को बहुत सारी चर्चा करनी है और इसी के द्वारा बहुत सारी चीजें सीखोगे। अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज टू बी कंसीडर्ड एज अ कंपनी लाइक अ पब्लिक कंपनी एंड द कंपनीज एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट कंपनी एज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, यानी पूरा कंपनीज एक्ट उस प्राइवेट कंपनी पे इस प्रकार से लग जाएगा कि आप क्या हो एक पब्लिक कंपनी। यहां तक की कहानी क्लियर है सर, ये पूरी कंडीशन को अच्छे से समझना है ना, अगर मैं तुमको जेन्युइनली बताऊं ये कंडीशन अगर आपको अच्छे से समझनी है तो इसके लिए एक शब्द का मुझे पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो शब्द है ये। अगर मुझे सब्सिडरी का मतलब नहीं पता होगा आई नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सर ये पब्लिक कंपनी क्या बोलना चाह रही है, तो इसके लिए मुझे अब समझना पड़ेगा कि सर होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है, अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। तो इसी को हम आगे लेकर चलते हैं और अगला सवाल लेकर आते हैं। इस एक काम करना, जहां आपने ये लिखा है ना इसके बाद ना लगभग आधा पेज छोड़ देना, क्योंकि कुछ और लिखवाऊंगा ना तो मैं उसमें और सारी चीजें लिखवा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजें छोड़ के चलना, लास्ट में इस पर हम दोबारा लौटेंगे कि सर ये पब्लिक कंपनी क्या होती है। अभी मैं सब बात करूंगा कि उस समय कौन सा सेक्शन लगेगा, 271 लगेगा, 268 लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, नहीं लगेगा। मैं बताऊं तुम्हारे दिमाग में जो सब सवाल है ना वो सब मेरे दिमाग में ऑलरेडी है, तुम जो सोचते हो ना वो मैं पहले से सोच के बैठता हूं, ठीक है। आओ लिखो और यहां पर हेडिंग बनाओ डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अब तुमको पता है जो दिमाग लगना है वो किस में लगना है, सब्सिडरी कंपनी समझने में, क्योंकि पता है होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन तो दो लाइन की है सिर्फ, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन दो लाइन की है, सब्सिडरी समझ में आ गई, होल्डिंग यूं समझ में आएगी यूं एकदम यूं, ठीक है। लिखो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। आलिदासन सर तो सब्सिडरी में प्राइवेट वर्ड हट जाएगा ना, क्योंकि वो सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आई हैव नेवर थॉट ऑफ कि कोई बच्चा मुझसे एक्सपेक्टेड मेरे को था कि कोई पूछे, और ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया हुआ था कि मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि सर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन गई है, तो आप बोल रहे हो कि वो पब्लिक कंपनी मतलब वो प्राइवेट कंपनी अब एक पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट की जाएगी, मतलब कि अब उस पर पूरा कंपनीज एक्ट उस प्रकार से लगेगा जैसे एक पब्लिक कंपनी पे लगता है। तो सर हमको ये पता है कि प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके नाम में हम लिख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के नाम में हम क्या लिखते हैं लिमिटेड पब्लिक। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम में क्या लिखते हैं एंड में प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के नाम में लास्ट में क्या लिखते हैं लिमिटेड। तो सर इस हिसाब से तो ये जो प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी बनी तो इसके नाम के लास्ट में भी लिमिटेड आएगा ना, प्राइवेट लिमिटेड हट जाएगा। तो इसी सवाल का जवाब मिलेगा आपको लगभग कुछ घंटे बाद, आओ तुम खुद मेरे को आंसर दोगे। अब तुमने क्वेश्चन पूछा ना, तुम खुद मेरे को आंसर दोगे, देखना। लिखो सर व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। सुने पहले मैं समझाता हूं उसके बाद मैं तसल्ली से लिख दूंगा, पहले सिर्फ तुम मेरे को देखोगे और मैं तुम्हें सिर्फ समझाऊंगा और कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, वो इधर देखो सामने देखो। सर व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। मैं एक काम करूं, मैं तुमको एक बार जरा लैंग्वेज पढ़ाना चाहता हूं, एक बार जरा लैंग्वेज पढ़ो लॉ की। पहले तो देखो प्राइवेट कंपनी मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैं तुमको प्राइवेट भी दिखा देता हूं एक बार।
सर बट इज प्राइवेट कंपनी, इधर देखो प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं सर, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब्ड, और आर्टिकल में तीन बातें लिखी होंगी, ये सब पढ़ लो, लिमिट द मेंबर ऑफ 200, पर यहां पर सर अगर ज्वाइंटली मेंबर लेंगे, ज्वाइंटली शेयर लेंगे तो फिर हम उसको एक ही काउंट करेंगे, और किन किन को आपको मेंबर में काउंट नहीं करना, हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी और फॉर्मली जो एम्प्लॉयमेंट में थे पास्ट वाले बट कंटिन्यू टू बी द मेंबर, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, और लास्ट में हम प्रोहिबिट करते हैं कि आप पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकते, किसका, सिक्योरिटीज का, और शेयर को ट्रांसफर करने पर क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है, बोलो ना, हाँ यस सर, हाँ जी सर, आगे चलेंगे सर, इसके बाद पब्लिक कंपनी कहाँ है, पब्लिक कंपनी कहाँ है, ये रही पब्लिक कंपनी, ये रही, पढ़ना जरा, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, समझ में आ रहा है, यस सर, provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company, wait, language क्या है कि अगर कोई कंपनी है जो कि सब्सिडरी एक ऐसी कंपनी की और वो कंपनी प्राइवेट नहीं है, मतलब वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक, समझ में आया मैंने क्या बोला, कि एक कंपनी है जो कि, एक कंपनी है जो कि सब्सिडरी है एक ऐसी कंपनी की जो कंपनी पब्लिक प्राइवेट नहीं है, यानी वो कंपनी कौन सी है, पब्लिक, यानी अगर कोई ऐसी कंपनी सब्सिडरी बन जाती है पब्लिक कंपनी की, कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी बन जाती है पब्लिक कंपनी की, तो हम उसे डीम्ड पब्लिक कंपनी मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इवन व्हेन सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूस टू बी द प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। अब ये क्या लिखा है इसकी चर्चा थोड़ी बाद में करूंगा क्योंकि मुझे पहले होल्डिंग सब्सिडरी समझाना है, सीधा कूद के भाग के फटाफट से आ जाओ सब्सिडरी कंपनी के ऊपर, और ये इतनी बड़ी डेफिनेशन दी हुई है सब्सिडरी कंपनी की आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर आपको दिख रही है तो, बिल्कुल सर दिख रही है सर, व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सर किसे बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी के मुकाबले हमारी कंपनी सब्सिडरी है, सुनना 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 भाई ध्यान से, ओए ध्यान से, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, आप एक काम करो, आप एक बार को ना इसको छोड़ो, अभी छोड़ो वरना परेशान होगे, एक बार को इसको रोको, ये ना पढ़ो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो, ठीक है फिर मैं तुम्हें वो पढ़वाऊंगा, अभी ऐसे पढ़ो, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, वाओ, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, यही रुक जाता हूं सर, मैं आगे लिख ही नहीं रहा, मैंने यहां से लिखना स्टार्ट करा, सब्सिडरी कंपनी लिखना स्टार्ट करना मेरे साथ, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का मतलब एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी सर, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी अब जो लैंग्वेज लिख रहा हूं इसको लिख के छोड़ देंगे और फिर इसी पर एनालिसिस करेंगे, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सरसाइज मोर देन हाफ ऑफ मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर
टोटल वोटिंग पावर, मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ईदर इट्स ईदर इट्स ओन ईदर ऑन इट्स ओन और टूगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनी, वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। यहां तक लिख लो और अब उसके बाद समझना स्टार्ट करते हैं। Either on its own or together with one or more subsidiary company. और अब इसके नीचे ना आप पूरा पेज खाली छोड़ के चलना, ठीक है, जो बेयर लॉ है इसके नीचे लिखते रहना और एक पेज छोड़ने के बाद आगे आ जाओ और उसके बाद कुछ केस बनाने स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाइड मैनर में मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूं, जल्दी से आओ, ये पूरा पेज छोड़ दो और पूरा पेज छोड़कर आगे बढ़ जाओ और यहां लिखो एनालिसिस। और अब ध्यान से सुनना सर, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, आराम से सुनिए। देखो, लेट्स से फॉर एक एग्जांपल, देयर इज अ कंपनी और उसका नाम है लेट्स से करण प्राइवेट लिमिटेड, या चलो ऐसे लिखो करण लिमिटेड। एक कंपनी सर, उसका नाम क्या है, करण लिमिटेड। एक कंपनी जिसका नाम है रिलायंस लिमिटेड, ओ सर, एक कंपनी जिसका नाम क्या है करण लिमिटेड और एक कंपनी जिसका नाम क्या है रिलायंस लिमिटेड। सर अगर ये कंपनी, अब सामने देखते रहना स्क्रीन पे, नोटिंग करना, जेठा बबीता प्राइवेट लिमिटेड और रुक जाओ जेठा बबीता करण लिमिटेड और एक कंपनी जिसका नाम क्या है रिलायंस लिमिटेड। सर ये जो करण लिमिटेड है, अगर ये इस रिलायंस लिमिटेड के मोर देन 50% वोटिंग राइट ले लेता है, क्या बोला मैं, अगर ये करण लिमिटेड इस रिलायंस लिमिटेड के मोर देन 50% वोटिंग पावर ले लेता है, मोर देन 50% वोटिंग पावर अगर इस कंपनी के पास आ जाती है तो इस कंपनी को नाम दिया जाएगा मोर देन 50% वोटिंग पावर। अगर रिलायंस की किसके पास आ जाती है, करण लिमिटेड के पास आ जाती है, तो हम बोलेंगे सर ये कंपनी जो है ये कौन सी कंपनी कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी, और ये कंपनी कौन सी कहलाएगी, सब्सिडरी कंपनी। ये कंपनी कौन सी कहलाएगी, सब्सिडरी कंपनी। अगर रिलायंस लिमिटेड के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर करण लिमिटेड के पास आ जाता है, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर करण लिमिटेड के पास आ जाता है, तो करण लिमिटेड को क्या बोला जाएगा, होल्डिंग कंपनी, और रिलायंस लिमिटेड को क्या बोला जाएगा, सब्सिडरी कंपनी। ऐसे समझो कि अगर मान लो मेरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर आपके पास आ जाती है तो आपकी कंपनी क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी, और मेरी कंपनी क्या कहलाएगी, सब्सिडरी कंपनी। आप मेरे होल्डिंग हो और मैं आपका सब्सिडरी हूं। अगर एक कंपनी सब्सिडरी है तो दूसरी कंपनी उसकी होल्डिंग है, तो होल्डिंग में दिमाग नहीं लगने वाला, सब्सिडरी तमीज से समझ लो, होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सर दोबारा, अगर करण लिमिटेड एक रिलायंस लिमिटेड के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर ले लेती है तो हम बोलेंगे करण लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी एंड रिलायंस लिमिटेड इज द सब्सिडरी कंपनी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, 50% वोटिंग पावर से ज्यादा मतलब कितना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोर देन 50% वोटिंग पावर। मैंने लिखा मोर देन 50% वोटिंग पावर, सो व्हाट डू यू मीन बाय मोर देन 50%, दिस इज माय क्वेश्चन। मोर देन 50% से मतलब क्या, आपका मतलब 50% से ज्यादा क्या, मुझे ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मोर देन 50%। 50% से ज्यादा कितना होता है, और मेरे को पता है ये भी गलती दोगे आपसे, 50% से ज्यादा कितना होता है, अरुण कह रहे सब्सिडरी हैज ओनली वन होल्डिंग, ठीक है, आलिया इज सेइंग 51% और मोर। देखा दोनों जवाब आए, दोनों गलतियां आए,
ठीक है, दोनों ही गलत आए। अभी मैं ये बाद में ये सब चर्चा करूंगा जो तुम्हारे दिमाग में, ईच एंड एवरीथिंग आई एम हैविंग। कृतिक, कृतिक इज ऑल्सो सेइंग कि 51%। देखा, अब ये गलत है, मैं बताता हूं क्या। सर हमको लगता है 50% से ज्यादा मतलब 51%। नो, कहां लिखा है ऐसा? अगर ऐसे ही होता तो लॉ मेकर भी यहां पर 51 लिख देता ना। 50% से ज्यादा इज नॉट 51%। नहीं बेटा, 50% से ज्यादा डजंट मीन 51% होगा। 50% से ज्यादा मतलब 50% प्लस एक शेयर भी अगर और ऊपर ले लिया ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मोर देन 50% वोटिंग पावर। सर कैसे? एक बारी समझाना, एक बारी समझाना। परफेक्ट, मुरारी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा है। एक बारी सर समझाना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी कंपनी के लेट से 10,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। आप मुझे बताओ मैं इस कंपनी के कितने शेयर्स ले लूं कि मैं इसकी होल्डिंग बन जाऊं। हमारी कंपनी, एक कंपनी करण लिमिटेड, करण लिमिटेड इस एक्स, ये रिलायंस लिमिटेड के, मान लो ये रिलायंस लिमिटेड है और रिलायंस लिमिटेड के 10,000 शेयर्स हैं। करण लिमिटेड रिलायंस लिमिटेड के कितने शेयर्स ले ले, कितने शेयर्स ले ले कि करण लिमिटेड रिलायंस लिमिटेड की क्या बन जाए? होल्डिंग बन जाए। और रिलायंस लिमिटेड करण लिमिटेड की क्या बन जाए? सब्सिडियरी बन जाए। अब एज पर यू आप बोल रहे हो मेरे को 51%, और अगर मैं 51% निकालूंगा तो 10,000 का 51% इज 5100 शेयर्स। यस, तुम्हारे हिसाब से अगर मैं 10,000 का 51% निकालूंगा तो तुम्हारे हिसाब से 5100 शेयर्स, बट दिस इज नॉट करेक्ट। सर अगर मैं 5000, 50% एग्जैक्ट 50 कितना आएगा? 5000 शेयर प्लस एक शेयर भी मैंने और ले लिया ना, तो यानी अगर मेरे पास जैसे ही 5000 एक शेयर आएंगे, मैं क्या बन जाऊंगा? उसकी होल्डिंग कंपनी। सर वाई? बिकॉज हम सेक्शन नंबर 47 में जाके ऐसा पढ़ेंगे, ये बात याद रखना मेरी, हम सेक्शन नंबर 47 में जाके ऐसा पढ़ेंगे दैट द वोटिंग राइट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विटी शेयर। मतलब वोटिंग राइट बिल्कुल प्रोपोर्शनल होते हैं इक्विटी शेयर के। अगर मैंने इतना 50% से जैसे ही हल्का सा एक शेयर भी ज्यादा लिया, मेरे पास 50% से ऊपर वोटिंग पावर आ जाएगी। और जैसे ही मेरे पास 50% से ऊपर वोटिंग पावर आएगी, ये कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी। और ये कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। बात समझ में आई? यस सर। तो कभी भी जब कोई पूछे व्हाट इज मोर देन 50%, आज के बाद कभी नहीं बोलना मोर देन 50 इज 51। नो, मोर देन 50 इज 50% से बस जस्ट एक शेयर भी अगर ऊपर हुआ, 50% प्लस समथिंग। जैसे ही 50% से जरा सा ऊपर जाएगा वो क्या बन जाएगा? मोर देन 50%। तो अगर ये करण लिमिटेड इस रिलायंस लिमिटेड में मोर देन 50% वोटिंग पावर एक्वायर कर लेती है, तो इस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? इस कंपनी को सर हम बोलेंगे, इस कंपनी को सर हम बोलेंगे क्या? होल्डिंग कंपनी। और इस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? सब्सिडरी। इज इट क्लियर? यहां तक की कहानी सेट है? अभी तो मैंने कुछ ऐसा मुश्किल टफ मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, है ना? आओ, अभी आसान लग रहा है? जल्दी बोलो, आसान लग रहा है या टफ लग रहा है? आसान लग रहा है या टफ लग रहा है? जल्दी बोलो, इजी है मुश्किल है? इजी है या मुश्किल है? इजी है? अभी मुश्किल तो नहीं लग रहा? जल्दी बोलो, इजी है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा? आसान है? ठीक, इजी है ना? पक्का ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। मुश्किल नहीं लग रहा ना? गुड, अभी लगेगा। ओ, अभी लगेगा। आगे बढ़ो। ए लिखो, इस पॉइंट को लिखो ए। ए इफ अ कंपनी होल्ड्स, जल्दी लिखो, इफ अ कंपनी होल्ड्स, इफ अ कंपनी होल्ड्स मोर देन 50%, इजी पीजी, हाँ कोई बात नहीं अभी लगेगा। इफ अ कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ऑफ अनदर कंपनी इंक्लूडिंग, अभी जो आगे लिख रहा हूं यह अभी समझ आया नहीं है, अभी रोक के चलना, इंक्लूडिंग द शेयर होल्डिंग, इंक्लूडिंग द शेयर होल्डिंग ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी,
इंक्लूडिंग द शेयर होल्डिंग ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी. ये आगे इंक्लूडिंग के आगे क्या लिखा है वो अभी नहीं समझाया, उसे छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अभी मुझे इतना बताओ बस, ये समझ में आ गया ना आगे, ठीक है. एक एक धीरे धीरे करके स्टेप बढ़ाएंगे, इतनी जल्दी आगे एकदम से ना ऊपर नहीं कदम रखते, ठीक है. पता चले दूसरा पैर अभी ऊपर रखा नहीं है, पीछे वाला और उठा दो तो सीधा गिरोगे, ठीक. इतनी जल्दी आगे नहीं भागना. सुनो, इफ अ कंपनी होल्ड मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ अनदर कंपनी, then that another company will become your subsidiary and you will become the holding company. जो होल्ड करेगा वो होल्डिंग है और जिसमें होल्ड करेगा वो सब्सिडरी है. सिंपल है कहानी, अभी कोई दिक्कत नहीं है. मुझे एक चीज बताओ सर, हमने सुना है दो प्रकार के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है. हाँ सर, सुना तो है, ठीक है. और 11th क्लास से हमने इसकी एंट्रियां भी करी है, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. जिसने नहीं भी करी कोई दिक्कत नहीं है. शेयर कितने टाइप का होता है? दो. एक कौन सा होता है? इक्विटी शेयर. एक कौन सा होता है? प्रेफरेंस शेयर, ठीक है. थोड़ा सा मैं बताई देता हूँ. एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है. सर प्रेफरेंस शेयर जो होता है उसको दो चीजों में प्रेफरेंस होती है. मतलब अगर आप कंपनी के प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाएंगे तो आपको दो चीजों में क्या मिलेगी? प्रेफरेंस मिलेगी. पहला कि जब भी कभी डिविडेंड मिलेगा तो पहले आपको मिलेगा. सर व्हाट इज डिविडेंड? कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा बांटेगी तो पहले आपको देगी, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा. और दूसरा, जब भी कभी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा और रीपेमेंट की जाएगी कैपिटल की, यानी कंपनी कैपिटल का पैसा वापस करेगी, तो पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, बाद में इक्विटी को मिलेगा. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमेशा दो चीजों में क्या रहती है? प्रेफरेंस रहती है. पहला द राइट ऑफ डिविडेंड एंड दूसरा द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट. उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसे मिलते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में पैसे मिलते हैं. तो सर हमने ये भी सुना है कि जो इक्विटी शेयर अगर एग्जैक्ट 50 होता है बेटा तो वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है. एग्जैक्ट 50% हुआ तो अभी के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है. बट होल्डिंग सब्सिडरी बनने का सिर्फ एक ये 50% वाला क्राइटेरिया नहीं होता, और भी होता है. अभी आगे बात करनी है मैंने, ठीक है. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था सर, इक्विटी शेयर जो होते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर के मुकाबले, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर के मुकाबले क्या होती है? प्रेफरेंस होती है. दो चीजों में. किन किन चीजों में? एक तो कैपिटल पहले मिलेगी और एक डिविडेंड पहले मिलेगा, ठीक है. तो सर फिर एक बार बताओ, अगर प्रेफरेंस शेयर को दोनों चीजों में प्रेफरेंस है कि डिविडेंड भी पहले उनको मिलेगा, ठीक है, और रीपेमेंट होगी तो पहले वो भी उन्हीं को मिलेगा कैपिटल का पैसा, तो कोई इक्विटी शेयर में पैसे डालेगा ही क्यों? फिर तो हर व्यक्ति क्या खरीदना चाहेगा? प्रेफरेंस शेयर. और कोई कंपनी के इक्विटी शेयर नहीं खरीदेगा, तो फिर इक्विटी शेयर बनाए क्यों? पर जो वोटिंग राइट्स होते हैं ना वो इक्विटी शेयर में होते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते. जनरल सर्कमस्टांसिस में तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास किसी स्पेशल केस में वोटिंग राइट आता है. वो कब आता है वो अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हमें नहीं पता, ठीक है. वो हम बात करेंगे कब? जब हम शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ेंगे. मेरा अभी पर्पस इतना बताना है कि जो इक्विटी शेयर होते हैं उसमें वोटिंग राइट होते हैं. इन ऑल केसेस इक्विटी शेयर होल्डर इज हैविंग वोटिंग राइट, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट हैविंग वोटिंग राइट इन एवरी केस, ठीक है. तो वोटिंग राइट किसके पास होते हैं? इक्विटी शेयर वालों के पास होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होते. तो ये जो मैं लिख रहा हूं वोटिंग पावर, वोटिंग पावर यानी ये कौन से शेयर की बात चल रही है, इक्विटी या प्रेफरेंस? जल्दी बताओ ये कौन से शेयर की बात चल रही है, इक्विटी या प्रेफरेंस? परफेक्ट सर, ये बात चल रही है इक्विटी शेयर्स की, ये प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं चल रही. चलो इसी बात पर कुछ केस बनाकर आपसे एग्जांपल पूछता हूं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा. एग्जांपल नंबर वन, मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है के लिमिटेड, और के लिमिटेड के ए लिमिटेड में एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है. ए लिमिटेड के पास 100 प्रेफरेंस शेयर है और 90 इक्विटी शेयर है, ठीक है. 100 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 90 इक्विटी शेयर्स हैं के लिमिटेड के पास. ए लिमिटेड अगर ए लिमिटेड के 100 प्रेफरेंस शेयर एक्वायर कर लेता है, तो बताओ क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है? जल्दी बोलो, क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है? जल्दी से लिख दो हाँ या ना, जल्दी से लिख दो हाँ या ना. क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है? सर ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, ये होल्डिंग सब्सिडरी वाले रिलेशनशिप की बात चल रही है. क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है? जल्दी बोलो हाँ या ना. आंसर इज नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप. वाई? क्योंकि सर इसके पास प्रेफरेंस शेयर आए. अरे 100% प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए उसके,
50 से ज्यादा सब छोड़ो 100 ले लिए तो भी तुम नो बोल रहे हो, क्योंकि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में वोटिंग राइट नहीं होता, हमें वोटिंग पावर देखनी है, हमें शेयर कैपिटल नहीं देखनी. गुड परफेक्ट. बी केस, अगर मान लो मैं बोलूं इफ केस बी, ये जो के लिमिटेड है ये एक्वायर करती है 45 इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड. अब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है, अब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है, जल्दी बोलो क्या अब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है? आंसर इज सर अगेन नो, अभी भी होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन नहीं है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट 50% हुआ है, 50% से ज्यादा नहीं होगा. ये सी याद करो, दिमाग लगाओ और बताओ कि क्या पूछूंगा. केस सी में सर लिखते हैं, ये 45 शेयर्स खरीदने के बाद केस सी मान लो अगर ये एक्वायर कर लेता है 46 शेयर्स, अब मुझे बताओ होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है? क्या ये 46 शेयर्स अगर एक्वायर करता केस ए, केस बी, केस सी, केस सी अगर 46 शेयर्स एक्वायर करता है तो क्या अब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है? आंसर इज यस सर, अब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप होगा, क्योंकि अब इसके पास मोर देन 50% क्या आ चुकी है? वोटिंग पावर आ चुकी है. सो इफ द मोर देन 50% वोटिंग पावर इज विद द करंट लिमिटेड, किस कंपनी का रिलायंस लिमिटेड का, या ऐसे बोल लो कि के लिमिटेड का, किस में? ए लिमिटेड में मोर देन 50% वोटिंग पावर आ गया है. सर 46 शेयर्स आ गए हैं, उसके 90 शेयर्स का आधा होता है 45, और 45 से एक शेयर ऊपर हुआ तो मेरे पास 50% ज्यादा वोटिंग पावर आ गई, और जैसे ही मेरे पास 50% ज्यादा वोटिंग पावर आई ये कंपनी ए लिमिटेड मेरी क्या बन गई? सब्सिडियरी कंपनी. और के लिमिटेड उसकी क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी. बोलो ना. हाँ ओए, अच्छा ओ ओ ओ, देख ये ज्यादा हीरो बन रहा है. देखो तरुण बोल रहा है सर आपने 46 शेयर्स लिखा, आपने ये तो लिखा ही नहीं कि ये प्रेफरेंस है या इक्विटी. पर ये इक्विटी है ये इक्विटी है, इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है यार, प्रेफरेंस की क्यों बात करेंगे? प्रेफरेंस की हो गई बात, बार बार ही नो कोई बोलते रहेंगे. ये किसकी बात हो रही है? इक्विटी शेयर की, 46 इक्विटी शेयर्स. ठीक है, अब ठीक है सर, ठीक है सॉरी. चलो आगे लिखो, यहां तक कहानी समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई. अब इधर आओ, एग्जाम्पल नंबर टू. अब मैं वो इंक्लूडिंग के आगे वाला जो लिखा है ना वो समझाने की कोशिश करता हूं. एग्जाम्पल नंबर टू, मान लो एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? के लिमिटेड, और एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? रिलायंस लिमिटेड. वाओ कितना मजा आता है ना रिलायंस को अपना सब्सिडियरी बनाने में. के लिमिटेड और एक कंपनी है क्या? रिलायंस लिमिटेड. सर एक और कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, जो ये के लिमिटेड है ये रिलायंस लिमिटेड में, ये जो के लिमिटेड है ये रिलायंस लिमिटेड में 40% वोटिंग पावर होल्ड करता है. कितना वोटिंग पावर होल्ड करता है? 40% वोटिंग पावर होल्ड करता है. अभी तक तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से ऐसे सुर करके आ गया होगा ये होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं है. हाँ तो हमने पूछा भी नहीं है, अभी रुको जरा सबर करो. जो के लिमिटेड है इसका एबीसी लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर है. मुझे बताओ कौन किसका सब्सिडरी है, कौन किसका होल्डिंग है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या रिलायंस के की सब्सिडरी है? क्वेश्चन नंबर वन, रिलायंस इज सबसी बोलते हैं इसको प्यार से, ठीक है के, या एबीसी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ के? मुझे दोनों के आंसर दो. क्या रिलायंस के की सब्सिडरी है? जल्दी बोलो क्या रिलायंस के की सब्सिडरी है? क्या रिलायंस के की सब्सिडरी है? आंसर इज सर नो. वाई सो? बिकॉज के लिमिटेड का रिलायंस में 40% इक्विटी शेयर होल्ड है, मतलब 40% वोटिंग पावर है, 50% से ज्यादा नहीं है, तो हम बोलेंगे नो सर दिस इज नॉट अ सब्सिडरी. बट एबीसी लिमिटेड के लिमिटेड की सब्सिडरी है. यस सर, एबीसी लिमिटेड के लिमिटेड की सब्सिडरी है. क्यों? क्योंकि सर
यहां पर मोर देन 50% क्या है वोटिंग पावर, यहां पर क्या है मोर देन 50% वोटिंग पावर, यहां तक कहानी सेट है। जल्दी लिख दो डन फटाफट, जल्दी लिख दो एक बार प्लीज लिख दो, प्लीज 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 जल्दी से लिख दो डन और हम आगे बढ़ सकते हैं। लिख दो फटाफट, आओ एग्जाम्पल नंबर थ्री। एग्जाम्पल नंबर थ्री, सर एक कंपनी है जिसका नाम है के लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है जेड लिमिटेड और एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस। मैंने क्लास वन और क्लास टू के जो नोट्स थे वो दोनों नोट्स टेलीग्राम में डाल दिए थे, ठीक है, और मैं फिर बता दे रहा हूं ये स्कैन करके ज्वाइन हो जाना प्लीज, ताकि जो अपडेट रहे वो मिल जाए, ठीक है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम में, लिंक्डइन पे, जहां पर भी, ठीक है ठीक है। आओ आलिया यू आर सुपर इंटेलिजेंट यार, मैं जो केस बनाने वाला हूं तू पहले ही बोल दे रही है। केस नंबर थ्री, इधर आओ, ये जो के लिमिटेड है ना, ये के लिमिटेड का रिलायंस में 40% वोटिंग पावर है, ध्यान से सुनना, के लिमिटेड का रिलायंस में कितना परसेंट वोटिंग पावर है, 40% वोटिंग पावर है, के लिमिटेड का जेड लिमिटेड में 55% वोटिंग पावर है, जेड लिमिटेड का रिलायंस में 12% वोटिंग पावर है। मुझे बताओ कौन किसका सब्सिडरी है, कौन किसका सब्सिडरी नहीं है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ क्या क्वेश्चन नंबर वन, जेड इज सब्सिडरी ऑफ के, क्या जेड लिमिटेड के लिमिटेड की सब्सिडरी है, जल्दी बताओ, क्या जेड लिमिटेड, क्या जेड लिमिटेड के लिमिटेड की सब्सिडरी है? हाँ सर, मोर देन 50% वोटिंग पावर है, यस एब्सोल्युटली यस, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, क्या वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड की सब्सिडरी है, ये मेरा सवाल है, क्या वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड की सब्सिडरी है, वो यार पूरा नाम आगे वो लिखा आ रहा है, हाँ क्या वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड की सब्सिडरी है, जल्दी बताओ क्या वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड की सब्सिडरी है? सर वाई लिमिटेड जेड की सब्सिडरी, सोचो ना लायक हूं, वाई लिमिटेड, अबे वाई मतलब रिलायंस, क्या रिलायंस जेड की सब्सिडरी है? अरे हाँ भाई हाँ, नहीं है, नो सर, क्यों? क्योंकि रिलायंस में, रिलायंस में जेड का होल्डिंग कितना है, सिर्फ 12% और हमें कितना चाहिए होता है 50% से ज्यादा, कितना चाहिए होता है 50% से ज्यादा। अब मेरा तीसरा सवाल है, सवाल ये है, मेन सवाल तो यही है, मुझे बताओ क्या रिलायंस इज सब्सिडरी ऑफ, क्या रिलायंस इज सब्सिडरी ऑफ के लिमिटेड? इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मजे आ जाएंगे, क्या रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी है, क्या रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी है, क्या रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी है? आई वॉन्ट आंसर, यस या नो, लैंग्वेज पढ़ो। अगर कोई कंपनी, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है, या तो खुद, या तो खुद, या फिर इंक्लूडिंग द शेयर होल्डिंग ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, हेलो सुने, नो 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 नो, अरे ये वो चेन रिलेशनशिप नहीं है ओए, चपेट मार दूंगा, एक बच्चा लिख रहा है ये वो चेन रिलेशनशिप है, वो इसकी सब्सिडरी, ये उसकी सब्सिडरी, कहां है ये चेन रिलेशनशिप, कहां है? के जेड के की सब्सिडरी है, बट रिलायंस जेड की सब्सिडरी थोड़ी है, अभी तो मैंने पहले ही पूछा ऊपर, क्या रिलायंस जेड की सब्सिडरी है? नो, तो ये चेन रिलेशनशिप नहीं है, ये वो वाली बुद्धि मत लगाओ, बी ए की सब्सिडरी, सी बी की सब्सिडरी, तो इसका मतलब सी ए की भी सब्सिडरी हो गई,
और आगे लोग को तो अभी पता भी नहीं होगा कि चेन रिलेशनशिप है क्या, ये तो मैं पढ़ाऊंगा अभी। ये चेन रिलेशनशिप नहीं है भाई, इस चार्ट को सिंपल बना लो ना, के की होल्डिंग जेड में कितनी है, के की होल्डिंग जेड में कितनी है 55, और जेड की होल्डिंग रिलायंस में कितनी है 12, तो ये चेन कहां से हुआ, ये चेन रिलेशनशिप नहीं है, ये आंसर मत दो सर। यहां क्या लैंग्वेज लिखी है, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, चाहे खुद या चाहे अपनी सब्सिडरी के द्वारा मिलाकर, तो भी ये होल्डिंग बन जाएगी, वो सब्सिडरी बन जाएगी। सर कैसे, मतलब अगर मेरी कंपनी, मान लो मैं एक कंपनी हूं और मैं तुम्हारे में, तुम सपोज वी बोथ आर कंपनी, यू आर अ कंपनी, आई एम ऑल्सो कंपनी, अगर मैं आप में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता हूं, या तो खुद मैं ही डायरेक्टली तुम्हारे में 50% ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता हूं, तो मैं होल्डिंग हूं और तुम कौन हो, सब्सिडरी हो। पर या फिर सर अगर मान लो मैं आप में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता हूं, कैसे, कुछ खुद से और कुछ अपनी सब्सिडरी के द्वारा, मतलब मैं, मेरी एक सब्सिडरी है और वो सब्सिडरी आप में होल्ड करती है, तो उसकी जो वोटिंग पावर आप में होगी वो मेरे साथ क्लब कर दी जाएगी और फिर देखा जाएगा कि क्या मेरी होल्डिंग 50% से ज्यादा बन रही है, अगर हां तो मैं होल्डिंग हूं और आप सब्सिडरी हो। समझ में आई बात सर, एक बार दोबारा बताओ, मान लो कि मैं एक कंपनी हूं, मैं करण लिमिटेड, आप रिलायंस लिमिटेड, अगर करण लिमिटेड डायरेक्टली रिलायंस लिमिटेड में 50% से ज्यादा होल्ड करता है, तो फिर तो डायरेक्टली मैं होल्डिंग बन गया और तुम कौन बन गए, सब्सिडरी, ये तो क्लियर हो गया। पर सर अगर मान लो कि मैं डायरेक्टली तो देख रहा हूं, पर ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप निकालते समय हम अपनी होल्डिंग के साथ साथ अपनी सब्सिडरी की होल्डिंग भी कंसीडर कर लेंगे, अगर उस कंपनी में मेरी कोई सब्सिडरी होल्ड करती होगी, हेलो, अगर उस कंपनी में मेरी कोई सब्सिडरी होल्ड करती होगी कुछ परसेंट, तो मेरी होल्डिंग उस कंपनी में जो देखी जाएगी ना, वो मेरी वाली तो देखी जाएगी, साथ में मेरी सब्सिडरी जो उस कंपनी में होल्ड करती होगी वो मेरी होल्डिंग के साथ जोड़ दिया जाएगा और फिर देखा जाएगा क्या 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, अगर है तो बोला जाएगा होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप बनेगा। बात समझ में आई, यस सर। अब यहां मुझे देख के बताओ, जो के लिमिटेड है ये रिलायंस में कितना होल्ड करता है, 40%, और के की सब्सिडरी कौन है, जेड लिमिटेड, के की सब्सिडरी कौन है, जेड लिमिटेड, तो अगर K की सब्सिडरी Z है और Z भी रिलायंस में होल्ड कर रहा है, तो यानी मैं बोलूं ये वाली वोटिंग पावर जो है ये K लिमिटेड के साथ जुड़ जाएगी और टोटल मिलाकर K लिमिटेड की पावर देखी जाएगी, यानी एक तरीके से K रिलायंस में कितना होल्ड करता है, मुझे ये बता दो, आंसर आ जाएगा। एक तरीके से K रिलायंस में कितना होल्ड करता है अगर मैं K की सब्सिडरी की होल्डिंग मिला दूं, K रिलायंस में 40% तो डायरेक्टली होल्ड करता है, बट के की एक सब्सिडरी है जो सब्सिडरी भी रिलायंस में कुछ होल्डिंग रखती है, कितना शेयर होल्डिंग रखती है, 12%, तो सर के की टोटल होल्डिंग रिलायंस में कितनी मानी जाएगी, ब्यूटीफुल आंसर, सर के की रिलायंस में टोटल होल्डिंग मानी जाएगी 52%, और ये 40 + 50 12% मिलाकर बना 52, और अगर 52 है तो इट इज मोर देन 50%, तो मैं बोलूंगा यस सर रिलायंस इज द सब्सिडरी ऑफ के लिमिटेड। समझ में आई कहानी, रिलायंस इज द सब्सिडरी ऑफ के लिमिटेड, क्या कहानी समझ में आ गई, यस सर। ये मैंने यस क्यों लिखा, तो यहां लिख देना 40% + 12%, के होल्ड्स मोर देन 50% थ्रू इट्स सब्सिडरी, के होल्ड करता है 50% से ज्यादा थ्रू इट्स सब्सिडरी, उसकी अपनी होल्डिंग भी देखी गई और साथ में सब्सिडरी की होल्डिंग भी देखी गई, और वो मिलाकर हम देखेंगे कि वो 50 से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे हाँ सर वो सब्सिडरी है। इज इट क्लियर, पक्का, जल्दी बोलो, मैं बोल दो, समझ में आ गया, पक्का, पूछ लो क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ लो, पक्का आ जाओ, फिर आओ फिर मैदान में, आओ, कौन से एग्जाम्पल था ये, 3 एग्जाम्पल, 4 लिखो, एग्जाम्पल नंबर 4, आओ, एग्जाम्पल नंबर 4,
रहे सर सिली मिस्टेक्स अब हमको समझ में आ रही है। एग्जाम्पल नंबर फोर, चलो लिखो। एक कंपनी है जिसका नाम है की लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस, ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है जेड लिमिटेड, बस इतना ही रखते हैं अभी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। जो के लिमिटेड है इसका ए लिमिटेड में 50% वोटिंग पावर है, जो जेड लिमिटेड है इसमें के लिमिटेड का 60% वोटिंग पावर है, ठीक है, जो जेड लिमिटेड है इसका रिलायंस में 7% वोटिंग पावर है, के लिमिटेड का रिलायंस में, के लिमिटेड का रिलायंस में 40% वोटिंग पावर है, और जो ए लिमिटेड है ना इसका भी रिलायंस में 5% वोटिंग पावर है। मुझे बताओ रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी है या नहीं है, बस ये सोचकर आंसर दे दो, रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी है या नहीं है। मुश्किल काम मैं कर देता हूं, आसान वाला तुम कर लेना, ठीक है, मुश्किल आंसर मैं बताता हूं, एक बारी देख लो। ये जो Z है ना, Z ये के लिमिटेड की सब्सिडरी है। अरे सर आप बहुत तेज हो, यू आर वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। जेड लिमिटेड जो है ये के लिमिटेड की सब्सिडरी है, ये मैं देखो मुश्किल वाला मैंने तुम्हें बता दिया, आसान वाला तुम मुझे बताओगे, मुश्किल वाला मैंने तुम्हें बता दिया। जेड लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ के लिमिटेड, सर क्यों, क्योंकि के लिमिटेड का जेड लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर है, दैट इज मोर देन 50%, तो जेड इज द सब्सिडरी ऑफ के, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। आप मुझे बता दो क्या रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी है या नहीं है। एक चीज मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, जेड इज द सब्सिडरी ऑफ के लिमिटेड, जेड लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ के लिमिटेड। मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी है, क्या रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी है, बताओ ना, क्या रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी है। ओके तृप्ति इज सेइंग नो सर, रिलायंस इज नॉट द सब्सिडरी ऑफ के, माधव इज ऑल्सो सेइंग नो, बट तरुण इज सेइंग यस, एंड अमतुल्ला इज सेइंग यस। क्या रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी है, आंसर इज रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी है या नहीं है। सर रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी, अरे सर बता भी दो यार, रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी नहीं है, नो रिलायंस इज नॉट सब्सिडरी ऑफ के। सर भाई होगा ना, देखो तो, अरे क्या देखो, इधर देखो, पहले इधर आओ, क्या ए के की सब्सिडरी है, नो, क्यों, क्योंकि 50% वोटिंग पावर है, हमें क्या चाहिए होता है मोर देन 50, तो ए तो के की सब्सिडरी नहीं है। क्या जेड के की सब्सिडरी है, हाँ जेड के की सब्सिडरी है, ठीक है। क्या ए के की सब्सिडरी था, नहीं। क्या जेड के की सब्सिडरी है, हाँ। अब चेक करो रिलायंस के की सब्सिडरी है, तो चेक करेंगे के कितना होल्ड करता है रिलायंस में, 40, पर वेट के की सब्सिडरी भी रिलायंस में होल्ड करती है, पर वो कितना करती है, 7, तो 40 प्लस 7 मिला के 47% हुआ ना सर, ये भी तो मिला लो। अबे नालायक हूं, ए लिमिटेड के लिमिटेड की सब्सिडरी थोड़ी है, अगर ए लिमिटेड के लिमिटेड की सब्सिडरी होती तो मैं ए की होल्डिंग को क्लब करता, तो मैं ए की होल्डिंग को क्लब करता, 40 प्लस 7 प्लस 5 थोड़ी करेंगे नालायक हूं, चपेट मार देनी मैंने मुंह पे, ए लिमिटेड के लिमिटेड की सब्सिडरी कोई है, अबे निकम्मो, यहां पर 50 है, सॉरी बोलो यहां पर 50 है, यानी ये इसकी सब्सिडरी नहीं है, और अगर ए के का सब्सिडरी नहीं है तो ए की होल्डिंग जो रिलायंस में होगी वो के लिमिटेड में प्लस नहीं होगी। तलुन भैया
अले ले 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 ले, गलती हो रही है, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के लिमिटेड की सब्सिडियरी नहीं है, और अगर ए लिमिटेड के लिमिटेड की सब्सिडियरी नहीं है तो ए लिमिटेड की जो होल्डिंग रिलायंस में है वो के लिमिटेड के साथ आप क्लब नहीं कर सकते। के लिमिटेड की खुद की होल्डिंग देखी जाएगी, यस सर। के लिमिटेड की होल्डिंग जो जेड जेड होल्ड करता है रिलायंस में, क्या ये मैं इसके साथ प्लस करूंगा? यस सर। पर क्या ये 5% में प्लस करूंगा? नो सर, क्योंकि के ए इज नॉट द सब्सिडियरी ऑफ के। आप अपनी सब्सिडियरी की होल्डिंग क्लब कर सकते हो, सारी होल्डिंग प्लस नहीं होगी। अच्छा, अगर यहां पर 50 की जगह 51 होता, बस एक चीज बदल रहा हूं, अगर यहां पर 50 की जगह 51 होता, क्या अब रिलायंस के की सब्सिडियरी बन जाती? क्या अब रिलायंस के की सब्सिडियरी बन जाती? हाँ सर, अब रिलायंस के की सब्सिडियरी बन जाती। क्यों? क्योंकि जैसे ये 51% बनता तो ए भी के की क्या बन जाती? सब्सिडियरी। अब ए भी सब्सिडियरी है, जेड भी सब्सिडियरी है, तो ए कितना होल्ड करता रिलायंस में? 5। जेड कितना होल्ड करता रिलायंस में? 7। और के खुद कितना होल्ड करता रिलायंस में? 40। तो 40 प्लस 7 प्लस 5 फिर कितना बनता? 52। तो फिर हम बोलते रिलायंस इज द सब्सिडियरी ऑफ के लिमिटेड। यस सर, बट अभी के लिए मैं बोलूंगा रिलायंस इज नॉट द सब्सिडियरी ऑफ के लिमिटेड। रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडियरी नहीं है, बिकॉज रिलायंस में के लिमिटेड का होल्डिंग 50% ज्यादा नहीं बैठ रहा, ना तो खुद का ना अपने सब्सिडरीज का साथ में मिला के। अच्छा, एक सवाल पूछूं, यहां तक समझ में आ गया ना? एक सवाल पूछूं, ऊपर वाले एग्जांपल को दोबारा ले रहा हूं। मैंने बोला था रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडियरी है, तो तुम बोले हाँ, क्योंकि खुद ने इसने 40 लगा रखा है और अपने सब्सिडियरी के थ्रू 12 लगा रखा है, तो के लिमिटेड की एक तरीके से रिलायंस में कितनी होल्डिंग मानी जाएगी? 40 प्लस 12 कितनी मानी जाएगी? 52। एक तरीके से के की रिलायंस में कितनी होल्डिंग मानी जाएगी? 52। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या रिलायंस जेड की सब्सिडियरी है? जब तुम इसके साथ ये जोड़ रहे हो, 40 में 12 जोड़ रहे हो, क्या 12 में 40 नहीं जोड़ते? क्या 12 में 40 नहीं जोड़ेंगे? नहीं। पता है ये जो क्लबिंग होती है ना, क्लबिंग, ये इस कंपनी के हाथ में होगी, इस कंपनी के हाथ में नहीं होगी। सर मतलब आप अपनी सब्सिडियरी के थ्रू जो होल्ड करते हो उसमें वो जोड़ लिया जाता है। ऐसे नहीं देखा जाएगा कि जेड लिमिटेड खुद रिलायंस में कितना होल्ड करता है? 12। अच्छा, तो जेड की एक होल्डिंग भी है, वो 40 होल्ड करती है, तो उसे भी जोड़ लो और जेड में मिला दो, ये 12 हो गया, वो 40 हो गया, तो 52 बन गया, रिलायंस जेड की भी सब्सिडियरी बन गई। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो जोड़ते हैं ना, वो किसके लिए जोड़ते हैं? आप अपनी सब्सिडियरी के थ्रू जो रख के बैठे उधर, वो जोड़ लो अपने साथ, बट कोई कंपनी अपनी होल्डिंग वाले में नहीं जुड़वाएगी। समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? यानी ये जो जेड लिमिटेड अगर रिलायंस में कितना होल्ड करता है? 12। तो जेड ये नहीं बोलेगा मैं 12 होल्ड करता हूं और मेरी होल्डिंग भी तो कुछ होल्ड करती है, मैंने बोला कितना? 40, तो वो भी मेरे साथ जोड़ लो और 52 हो गया, तो जेड लिमिटेड को भी क्या बना दो? होल्डिंग कंपनी, और रिलायंस को क्या बना दो? सब्सिडियरी। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। समझ में आ गई कहानी? जो क्लबिंग होती है वो इस कंपनी के फेवर में होगी, इस कंपनी के फेवर में नहीं हो रही है। क्लियर? रिलायंस इज नॉट द सब्सिडियरी ऑफ जेड। आप अपनी सब्सिडियरी के द्वारा जो उसमें रख के बैठे हो वो जुड़ेगा, आप अपनी होल्डिंग के द्वारा जो उसमें रखे हो वो नहीं जुड़ेगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? फोर्थ एग्जाम्पल क्लियर है एकदम? डन 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 डन। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। चलो एग्जाम्पल नंबर 5। मुझे लग रहा है तुमको बहुत अच्छे समझ में आ गया है ना, मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, और मेरे को लग रहा है आप तुमसे एक सवाल पूछने का वक्त आ गया है। आ जाओ। मुरारी कह रहा है जेड लिमिटेड तो खुद बच्चा है, ये कैसे होल्डिंग बनेगा? ऐसा कुछ नहीं होता, सब्सिडियरी की एक ही होल्डिंग होगी, बट होल्डिंग के दो और मोर भी हो सकती हैं। तरुण, तू ये तो दूसरी बार लिख रहा है, पर मैं तेरा आंसर गलत प्रूव करूंगा, आई कैन बेट, मेरा तुझसे वादा रहा। ठीक है, ये तरुण बार बार मेरे को बोल रहा है सब्सिडियरी की एक ही होल्डिंग होती है, बट एक होल्डिंग की दो सब्सिडियरी हो सकती हैं। मैं ये क्वेश्चन मेरी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं आऊंगा इस पे लौट के। ठीक है, मेरी बकेट लिस्ट में है ये क्वेश्चन, तू टेंशन ना ले। मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, जो तुम घर बैठ के सोचते हो ना, वो मैं तुमसे पहले सोच के आता हूं कि तुम क्या क्या सोच सकते हो, फिर मैं यहां पे लाइव आता हूं, है ना? आओ इधर आओ। एग्जाम्पल नंबर, वो ये 3 कैसे हो गया भाई? 4 ये था ना, हाँ ठीक है, 5। एग्जाम्पल नंबर 5, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, अगर इसका आंसर बता डाला तो लाइव झिंगा लाला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जो तुम फाउंडेशन में पढ़ के आए ना, थोड़ा बहुत, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये वो, ये ऐसे एकदम
ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है. कंपनी लॉ इज दैट, अपन लेवल वहां तक लेकर जाएंगे. पता है सीएस में इतना भयंकर लेवल है ना कंपनी लॉ का, मैं तुमको उस लेवल का पढ़ा दूंगा, तुम टेंशन ही मत लो, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 5, इधर आओ. मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है के लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस लिमिटेड. तुमको मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बस तुम मुझे इतना बता, के लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड और एक कंपनी है जेड लिमिटेड, मजा आ रहा है ना, बस मेन वो जरूरी है, समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही. ब्यूटीफुल तरीके से सब कुछ समझ में आएगा, तुम टेंशन कोई लो ही मत, ठीक है, अलॉन्ग विद क्वेश्चन ऑल्सो, और बढ़िया मार्क्स लेकर तुम पास हो जाओगे. के लिमिटेड की सर रिलायंस में, के लिमिटेड की रिलायंस में होल्डिंग है 50% वोटिंग पावर. के लिमिटेड रिलायंस में कितना होल्ड करता है? 50% वोटिंग पावर. और ये जो के लिमिटेड है ये जेड में होल्ड करता है 50% वोटिंग पावर, और ये जो जेड है ये रिलायंस में होल्ड करता है 50% वोटिंग पावर. मुझे बताओ कौन किसका सब्सिडरी है, कौन किसका होल्डिंग है? क्या रिलायंस के का सब्सिडरी है? पहला क्वेश्चन, चलो, क्या इज जेड सब्सिडरी ऑफ के? क्या जेड के की सब्सिडरी है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या रिलायंस के की सब्सिडरी है? दो क्वेश्चन आपके सामने है. क्या जेड के की सब्सिडरी है? आंसर इज यस या नो, करेक्ट आंसर, परफेक्ट, गुड 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 गुड. क्या सर जेड के की सब्सिडरी है? आंसर इज नो. सर क्या रिलायंस के की सब्सिडरी है? आंसर इज नो. वाई सो? क्योंकि सर कोई भी कहीं पर भी कोई होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं है. इज इट क्लियर? गुड मॉर्निंग सर, दिस इज माई फर्स्ट डे विच चैप्टर इज गोइंग ऑन. शालिनी, अभी हम बेसिक्स पे हैं, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ कंपनी कवर कर रहे हैं, ठीक है. बट अभी आप आज से ना देखना, आप पहले पुराने वाली क्लासेस देखो, फिर उसके बाद आप ये वाला कंटिन्यू करना, ठीक है. चलो जी. सर यहां पर कोई सब्सिडरी होल्डिंग रिलेशनशिप ही नहीं है. अगला सवाल, अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुमको 100-100 रुपए इनाम. सच्ची 100 रुपए? हाँ सच्ची 100 रुपए. अगर तुमने जवाब दे दिया तो 100-100 रुपीज इनाम. एग्जाम्पल नंबर 6, अगर तुमने जवाब दे दिया तुमको 100-100 रुपए इनाम. लिखो एग्जाम्पल नंबर 6, एक कंपनी है के लिमिटेड. मैं बता रहा हूं भाई साहब, धुएं उड़ा देगा क्वेश्चन. के लिमिटेड, एक कंपनी है रिलायंस. ठीक है, आ जाओ. एक कंपनी है के लिमिटेड, एक कंपनी है रिलायंस, ठीक है. इसके बाद एक कंपनी है सी लिमिटेड, एक कंपनी है डी लिमिटेड, एक कंपनी है ई लिमिटेड और एक कंपनी है एफ लिमिटेड. जो के लिमिटेड है इसका सी में, डी में, ई में और एफ में, चारों में होल्डिंग है. इसमें है 52%, इसमें है 62%, इसमें है 59%, इसमें है 61%. और ये जो के लिमिटेड है इसका खुद का रिलायंस में है 40%. जो सी लिमिटेड है ये रिलायंस में होल्ड करती है 3%. डी लिमिटेड भी रिलायंस में होल्ड करती है 5%. ई लिमिटेड भी रिलायंस में होल्ड करती है 2%. और एफ लिमिटेड रिलायंस में होल्ड करती है 1%. मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, कौन किसका सब्सिडरी है? कौन किसका सब्सिडरी है? कह रहा है अभी आपने जितने पैसे बांटने बांट लो, स्टूडियो आगे सारे पैसे कलेक्ट करूंगा मैं जब मैं पास हो जाऊंगा. बिल्कुल, फीस वापस लीजिए. हाँ जी, कौन किसका सब्सिडरी है मैं आपसे पूछता हूँ. चलो मैं आपके लिए ना थोड़ा काम आसान कर देता हूँ. देखो मैं, मेरा तो काम ही है ना आपके लिए चीजें इजी करना, मुश्किल वाला मैं कर देता हूँ, आसान वाला आप बता दो. जो सी है ना, सी ये के का सब्सिडरी है क्योंकि मोर देन 50 है. डी जो है वो भी के का सब्सिडरी है क्योंकि मोर देन 50 है. ई जो है ना, ई वो भी के का सब्सिडरी है क्योंकि मोर देन 50 है.
एफ जो है वो भी सब्सिडरी है क्योंकि मोर देन 50 है, यानी के जो है वो होल्डिंग है, वो किसका होल्डिंग है, सी का, डी का, ई का और एफ का, तो के जो है वो होल्डिंग है सी का, डी का और एफ का और ई का, है ना। मेरा सवाल आपसे ये है, रिलायंस किसका सब्सिडरी है, सी का है, नहीं ऑब्वियस सी बात है नहीं है क्योंकि 3% होल्ड करता है, डी का भी नहीं है 5% है, ई का भी नहीं है क्योंकि 2% है, एफ का भी नहीं है क्योंकि 1% है। मेरा आपसे सरल सा क्वेश्चन ये है कि रिलायंस के की सब्सिडरी है या नहीं है, रिलायंस के की सब्सिडरी है या नहीं है। मैं लिख देता हूं, के इज द होल्डिंग ऑफ सी डी ई एफ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, रिलायंस इज रिलायंस सब्सिडरी ऑफ के लिमिटेड, यस या नो? क्या रिलायंस के लिमिटेड की सब्सिडरी है? भाई साहब समझ गए अब तुम आंसर, एकदम प्यारी समझ गई। आंसर इज यस, क्योंकि पता है कितना परसेंट होल्डिंग है, 51%। वेरी गुड बेटा। सर यहां पर ना ये सारा अपने सब्सिडरी के थ्रू होल्ड कर रहा है, देखो के लिमिटेड उसमें कितना होल्ड करता है 40, और अपने सब्सिडरी के थ्रू कितना होल्ड कर रहा है, कितना होल्ड कर रहा है सर, इसके खुद तो 40 होल्ड करता है और तीन ये और पांच ये और दो ये और एक ये, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 51%, एंड इट इज मोर देन 50, तो सर हम बोलेंगे यस, के इज द होल्डिंग ऑफ रिलायंस ऑल्सो, एंड रिलायंस इज ऑल्सो द सब्सिडरी ऑफ के लिमिटेड। अब क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया, एकदम डन डना डन डन, यस सर। चले आगे, बिल्कुल सर। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर, सर कितने एग्जाम्पल बनवाओगे भाई, तुमको दिख रहा है ना किस लेवल का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, एकदम बढ़िया। कह रहे 100 रुपए दीजिए, अब मैंने बोला था अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुमको 100 रुपए इनाम मिलेगा। मैंने कब बोला मैं दूंगा, मैंने कब बोला कि मैं दूंगा? लॉ की क्लास में बैठे हो, लॉ को इंटरप्रेट करना सीख रहे हो, वेयर इज योर इंटरप्रिटेशन स्किल्स मैन? When I said to you कि मैं दूंगा और अभी दूंगा, मैंने बोला अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हें 100 रुपए इनाम मिलेगा। मिलेगा कहीं से तो मिलेगा, मैंने कब बोला भाई मैं दूंगा? सॉरी मैम। एग्जाम्पल नंबर 7, आ जाओ आगे लिखो। एग्जाम्पल 7, एक 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 कंपनी है, एक कंपनी है, उसका नाम है, उसका नाम है के लिमिटेड। सर ये जो के लिमिटेड है इसका रिलायंस में 1% वोटिंग पावर है बस। मोए मोए, उसका रिलायंस में कितना वोटिंग पावर है, 1%। और जो के लिमिटेड है ना इसका ए लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर है, और ये जो ए लिमिटेड है इसका यहां पर 52% वोटिंग पावर है। अब मुझे बता दो कौन किसकी सब्सिडरी है, मान दूंगा 100 रुपए और मिलेंगे, 100 रुपए और मिलेंगे, मुझे बता दो कौन किसका सब्सिडरी है, मैं मान दूंगा तुमको 100 रुपए और मिलेंगे। वेरी गुड सर, यहां पर ना ये जो रिलायंस है ये अब ए लिमिटेड की भी सब्सिडरी बन गई है क्योंकि इसमें इसका 52 है। और क्या रिलायंस के लिमिटेड की भी सब्सिडरी है? हाँ सर, क्योंकि ए सब्सिडरी है के का, और के जो है खुद होल्ड करता है 1 और अपनी सब्सिडरी के थ्रू होल्ड करता है 52, तो ये मिलाकर कितना हो जाएगा 53, ये मिलाकर कितना हो जाएगा 53। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जो ए है ये ए सब्सिडरी है किसका, के का, रिलायंस सब्सिडरी है के का, रिलायंस सब्सिडरी है के का, क्यों? क्योंकि सर ए के जो है वो रिलायंस में 1 होल्ड करता है और के थ्रू ए रिलायंस में कितना होल्ड करता है 52, तो 52 प्लस 1 कितना होल्ड कर रहा है 53%, तो ये सब्सिडरी है। और सर जो रिलायंस है ना वो ए का भी सब्सिडरी है क्योंकि ए खुद डायरेक्टली 52 होल्ड करता है,
तो रिलायंस ए की भी क्या मानी जाएगी, सब्सिडरी मानी जाएगी। समझ में आ गई कहानी, एकदम बढ़िया चल रहा है मामला, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। तो ये थी फर्स्ट क्लॉज ऑफ सब्सिडरी कंपनी कि अगर आप होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी कब बन रहे हैं, जब आप कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी में मोर देन 50% क्या करता है, होल्ड करता है वोटिंग पावर, तो हम बोलेंगे कि यस सर वो क्या है सब्सिडरी और ये क्या है होल्डिंग। एक लास्ट सवाल, चलो मैं एक सवाल पूछता हूं लास्ट, लेट्स सी हु विल आंसर। एग्जांपल नंबर 8 आई थिंक है ना, एग्जांपल नंबर 8, मान लो ये हूं मैं करण और मैं रिलायंस में, मैं रिलायंस में ...48% वोटिंग पावर होल्ड करता हूं, बताओ रिलायंस लिमिटेड सब्सिडरी है या नहीं है, बताओ रिलायंस लिमिटेड सब्सिडरी है या नहीं है, जल्दी बोलो रिलायंस लिमिटेड सब्सिडरी है या नहीं है, रिलायंस लिमिटेड सब्सिडरी है या नहीं है, जल्दी बोलो यार, अभी तो बहुत बड़ी डेफिनेशन पड़ी है, रिलायंस लिमिटेड सब्सिडरी है या नहीं है। आंसर इज रिलायंस लिमिटेड सब्सिडरी नहीं है, ठीक है, नो। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 9, मैं रिलायंस लिमिटेड में 58% होल्ड करता हूं वोटिंग पावर, अब बताओ रिलायंस सब्सिडरी है या नहीं है, अब बताओ रिलायंस सब्सिडरी है या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9 आई एम आस्किंग, अगर एग्जाम्पल नंबर 9 की बात हो रही है तो मुझे बताओ क्या रिलायंस अब सब्सिडरी है या नहीं है। फंस गए, क्या अब रिलायंस सब्सिडरी है या नहीं है, ठीक है। अब मैं देखो तुम्हारे आंसर आया, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, कृतिक ने बोला यस, अमातुल्ला ने बोला यस, तृप्ति ने बोला यस, अभी तक जो आंसर आए हैं ना, तो लक्ष्य इज ऑल्सो सेइंग यस, अर्चना इज ऑल्सो सेइंग यस, अब बोल रहे हाँ अब सर अब तो है ना। ओ भाई हे माँ माता जी, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आपका यह आंसर भी गलत है और यह आंसर भी गलत है। सर क्यों, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी है। अबे नालायकों, एक चीज पढ़ते हो आगे की, दूसरी भूल जाते हो, तीसरी पढ़ते हो तो दूसरी भूल जाते हो, चौथी पढ़ते हो तो सब भूल जाते हो, खुद चपेट लगा लो अपने आप को। एक ये कंपनी है, ये क्या कंपनी है, है नालायकों, ये क्या कंपनी है, कंपनी क्या होती है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 होल्डिंग कंपनी क्या लिखा है इधर, इफ अ कंपनी होल्ड्स मोर देन 50%, तो जो होल्ड करेगा वो होल्डिंग है और जिसमें होल्ड करोगे वो सब्सिडरी है, अरे तो जो होल्ड करेगा वो कंपनी होना चाहिए और कंपनी का मतलब क्या होता है सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मींस अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अब फील आ रही है लॉ की, अब फील आ रही है लॉ की, तो ये सब्सिडरी नहीं है, ठीक है, और सब्सिडरी कंपनी भी एक कंपनी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, कंपनी मतलब वो भी वही कंपनी होनी चाहिए जो कहां लिखी है 2 क्लॉज 20 में। ओके 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 ओके, क्लियर है यहां तक, डन 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 डन, बोलो बोलो। चलो यहीं पर ही एक और सवाल पूछूं, लो एग्जांपल नंबर 10, मजे आ जाएंगे मैं कह रहा हूं, ओहो हो मजे ही मजे, एग्जांपल नंबर 10, ओहो हो मजे ही मजे। इधर लो, मान लो एक कंपनी है के लिमिटेड, और के लिमिटेड जो है ना एक एक कंपनी है जिसका नाम है एप्पल INC, सुना नाम एप्पल INC, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है एप्पल INC, इसका नाम सुना एप्पल INC, क्या बेचते हैं ये, दूध बेचते हैं, नहीं सर आईफोन। सो एप्पल INC में
के लिमिटेड 58% वोटिंग पावर होल्ड करता है। अब मुझे बताओ ये एप्पल आईएनसी सब्सिडरी है के लिमिटेड का। नाउ आई वॉन्ट टू सी द नॉलेज ऑफ यू पीपल एंड आई एक्सपेक्ट कि अब इतना तो तुम्हारे दिमाग चल रहा होगा कि भाई इतना तो एनालिटिकल दिमाग अपन चला के और इतना तो एनालिसिस कर सकते हैं। क्या एप्पल आईएनसी के लिमिटेड की सब्सिडरी है या नहीं है? बस दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। क्या एप्पल आईएनसी के लिमिटेड की सब्सिडरी है या नहीं है? आंसर इज लक्ष्य सिंह यस। लक्ष्य सिंह यस ओके। क्या ये सब्सिडरी है या नहीं है? खैरी पहले बताओ, मेरे को बताओ पहले, एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने बता रहा जो क्वेश्चन लिखा है तुम उसका सवाल खुद दिमाग लगाओ भाई, मुझे नहीं पता। जो लिखा है मैंने एग्जांपल सामने लिखा हुआ है, ऊपर लॉ लिखा हुआ है, ये रहा लॉ, ठीक है, ये सामने तुम्हारे लॉ लिखा है। एग्जांपल तुम्हें याद ही होगा कि के लिमिटेड एप्पल आईएनसी में 58% होल्ड करता है, लॉ तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, मुझे देख पढ़ के बता दो कि भैया ये रहा बेयर लॉ लिखा है तो ये लिखा है, ठीक है, ये तुम्हारे सामने लॉ लिखा हुआ है, एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में है, मुझे बताओ हाँ या ना, बात खत्म। आंसर आया हाँ, ठीक है, ठीक है। अब क्या लिखा है? सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होनी चाहिए? सब्सिडरी कंपनी तब बनेगी, सब्सिडरी कंपनी तब कहलाएगी अगर वो कंपनी है। पहली बात तो क्या लिखा, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, वो खुद एक कंपनी होनी चाहिए। और सर एप्पल आईएनसी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एप्पल आईएनसी बाहर रजिस्टर्ड है, यहां रजिस्टर्ड थोड़ी है कंपनी में। एप्पल आईएनसी कंपनी का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 सेज दैट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, बट एप्पल आईएनसी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड नॉट अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ, सो एप्पल आईएनसी इज नॉट अ कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20। और अगर एप्पल आईएनसी कंपनी नहीं है तो फिर वो एप्पल आईएनसी में अगर मैं होल्डिंग करूंगा भी तो फिर वो मेरी सब्सिडरी कंपनी नहीं बनेगी, बोलो ना, हाँ वो मेरी सब्सिडरी कंपनी नहीं बनेगी सर। तो अभी तो तुम्हारे हिसाब से आंसर आया एकदम करेक्ट कि वो मेरी सब्सिडरी कंपनी नहीं बनेगी, तुम लोगों ने तो यही दिया था, मैंने सही करा उसको, ठीक है, तो वो मेरी सब्सिडरी कंपनी नहीं बनेगी। पर यहां पर लॉ में क्या किया गया, नीचे यहां लॉ में एक एक्सप्लेनेशन एड की गई और लिखा गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। ओए, ये बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है, चपेट मार दूंगा, ठीक है, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहां पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन डाली, इधर देखो मैं लॉ दिखाता हूं, वेट, इधर इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डाली और एक्सप्लेनेशन डाल के यहां लिखा फॉर दिस सेक्शन द कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। नाउ सर व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन मैं अलग से समझाऊंगा, पर अभी के लिए इतना समझ लो बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनीज आती हैं जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। तो यानी इस एक्सप्लेनेशन को डालकर क्या मैं बोलूं कि लॉ मेकर ने बाहर की कंपनीज को भी एक तरीके से यहां कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड करवाया। और यानी कि अगर हमारा जो एग्जाम्पल देखें तो सर उस हिसाब से देखो लॉ देख रहा हूं तो अभी तो मेरे हिसाब से ये एप्पल आईएनसी सब्सिडरी नहीं था क्योंकि ये कंपनी नहीं है। और लॉ की पहली लाइन में लैंग्वेज क्या है, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, वो कंपनी होनी चाहिए। पर सर वहां कंपनी शब्द नहीं लिखा, मतलब कंपनी लिखा पर ये कंपनी नहीं होती है सर हमारे हिसाब से। पर लॉ मेकर ने एक एक्सप्लेनेशन डाली और लिखा क्या कि कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 2 क्लॉज 11 आएगा। बॉडी कॉर्पोरेट मैं समझाऊंगा, और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक ऐसी कंपनी जो कहां इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया के बाहर। तो सर लॉ मेकर ने कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट को भी इंक्लूड कर दिया अकॉर्डिंग टू दैट। अब मैं बोलूंगा आंसर इज यस सर, बिकॉज एज पर एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। देख रहा है विनोद लॉ कैसे पढ़ते हैं, बिकॉज एज पर एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। तो इस सेक्शन के हिसाब से सर कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूड है, तो उस हिसाब से फिर वो जो ऊपर कंपनी शब्द लिखा है
मैं उसमें वो बाहर वाली कंपनी भी मानूंगा और सब्सिडरी कंपनी को भी यहां पर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। कोई मेरे को बताएगा सर सब्सिडरी को क्यों इंक्लूड किया, मतलब सॉरी वो बॉडी कॉर्पोरेट्स को क्यों इंक्लूड किया? पता है अगर उनको ना इंक्लूड करते तो ऐसे तो कभी भी हम लोग बाहर इन्वेस्टमेंट डालते तो वो इंक्लूड ही नहीं होता, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप बनता ही ना, और इससे फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा अफेक्ट होता। तो इसलिए लॉ मेकर ने यहां पर कंपनी के एक्सप्रेशन में किसको डाल दिया उठा के, बॉडी कॉर्पोरेट को, यानी बाहर वाली कंपनी भी यहां पर कंपनी मान ली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, फॉर दिस सेक्शन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर है, चलो आगे। ये था पहला कंडीशन वोटिंग पावर वाला। अब मैं आ रहा हूं इसके बाद एनालिसिस ऑन पॉइंट बी, कंट्रोल्स इफ अ कंपनी कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। इफ अ कंपनी कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी, सर अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है तो हम उसे बोलेंगे कि तब भी वो होल्ड, आप होल्डिंग बन जाओगे और वो सब्सिडियरी बन जाएगी। मतलब अब 50% वोटिंग पावर वाला क्राइटेरिया तो हमने पढ़ लिया, पर सर देयर इज वन मोर क्राइटेरिया, और एक और होता है, तीन क्राइटेरिया होते हैं होल्डिंग सब्सिडियरी के। सर अगर मान लो ये कंपनी उस कंपनी के बोर्ड को कंट्रोल करती है, मतलब उस कंपनी के डायरेक्टर्स के बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सर व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? कंपनी में जो एक डायरेक्टर होता है इंडिविजुअली दैट पर्सन इज कॉल्ड डायरेक्टर, और कलेक्टिवली उन सबको मिलाकर बोलते हैं उसका बोर्ड। जैसे मान लो एक कंपनी में पांच डायरेक्टर्स हैं, सो मैं भी उसमें एक डायरेक्टर हूं, तो आई एम डायरेक्टर, दिस पर्सन इज ऑल्सो डायरेक्टर, दिस पर्सन इज ऑल्सो डायरेक्टर, पर अपन सब मिलाकर क्या बनेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज बोर्ड। तो हम बोर्ड को कैसे कंट्रोल करते हैं? सर अगर मान लो कि ये कंपनी उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है, कॉम्पोजिशन, तो हम बोलेंगे कि सर ये कंपनी होल्डिंग और वो सब्सिडरी है। इवन इफ आपके पास 50% ज्यादा वोटिंग पावर नहीं भी हुई तो चलेगा, बट ये कंपनी उसकी क्या बन जाएगी, होल्डिंग, और वो इसकी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल, ये हमें समझा दो। सर कंट्रोल किसे बोलते हैं? इसका मतलब होता है इफ अ कंपनी इज हैविंग राइट टू अपॉइंट और रिमूव All or majority of directors of another company, then such another company will become subsidiary company. Sir, agar एक कंपनी दूसरी कंपनी के सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का राइट रखती है, मतलब अगर हमारी कंपनी आपकी कंपनी के या तो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का राइट रखती है, ऑल और मेजॉरिटी को रिमूव करने का या अपॉइंट करने का राइट रखती है, तो फिर यह कंपनी होल्डिंग बन जाएगी, ये कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी। मैं बोल रहा हूं इवन इफ मेरी होल्डिंग 50% से कम भी हो, वोटिंग पावर कम भी हो, बट इफ आई एम हैविंग मोर देन हाफ ऑफ योर डायरेक्टर्स, मतलब मेजॉरिटी या सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का राइट मेरे पास आ जाएगा ना, तो मैं आपके बोर्ड को कंट्रोल कर पाऊंगा, और अगर मैं आपके बोर्ड को कंट्रोल कर पाऊंगा तो मैं होल्डिंग बन गया और आप क्या बन गए, सब्सिडरी बन गए। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर एक सवाल बता दो कि ये राइट आपके पास कैसे आएगा, आपके पास ये राइट कैसे आएगा कि आप हमारी कंपनी के, आपकी कंपनी के पास ये राइट कैसे आएगा कि आप हमारी कंपनी के 50% से ज्यादा, मतलब मेजॉरिटी डायरेक्टर्स या तो अपॉइंट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, सर ये राइट आपके पास कैसे आएगा? तो एक तो मैं बोलूंगा कि ये राइट आपके पास वोटिंग पावर से ही आ सकता है। कैसे? अगर देखो मैं आपकी कंपनी के लिए, मैं थोड़ा सा सीए फाइनल की बात मुझे यहां पर बतानी पड़ेगी, लिटिल बिट ऑफ दैट, क्योंकि वो जरूरी है यहां पे। सर फाइनल में एक चैप्टर आएगा आपका डायरेक्टर्स, और जब आप डायरेक्टर्स चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहां आप ये सीखोगे कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए ना हमको एक ओआर पास करना होता है। क्या पास करना होता है? ओआर। अच्छा क्या होता है, मैं थोड़ा मीटिंग्स का भी बताता हूं। मीटिंग्स आप पढ़ोगे इंटर पे और डायरेक्टर्स आप पढ़ोगे फाइनल में।
मीटिंग्स जो होती हैं, कंपनी कई सारी मीटिंग्स कराती है शेयर होल्डर्स की, जब भी कंपनी को कोई भी डिसीजन लेने होते हैं तो प्रपोजल रखती है शेयर होल्डर्स के आगे, और शेयर होल्डर्स उस पर अपनी सहमति जताते हैं या फिर उस पर कुछ अपना अगेंस्ट बताते हैं कि भैया नहीं मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दो तरीके के रेजोल्यूशन पास होते हैं, एक होता है ओआर और एक होता है एसआर। ओआर का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एसआर का मतलब होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर भूल जाओ तो कहीं साइड में लिख लेना ओआर और एसआर। ओआर का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एसआर का मतलब होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर 50% से ज्यादा लोग उस चीज पे हाँ बोल देते हैं तो हम बोलते हैं ओआर पास हो गया। 50% से ज्यादा वोटिंग अगर फेवर में आ जाती है तो हम बोलते हैं हाँ ओआर पास हो गया, और अगर 75% या उससे ज्यादा वोटिंग फेवर में आती है तो हम बोलते हैं एसआर पास हो गया। 3/4 एक्सेप्टेंस चाहिए होती है एसआर के लिए, और ओआर के लिए मेजॉरिटी वोटिंग हाँ में चाहिए। ठीक है, मेजॉरिटी वोटिंग किसमें चाहिए? हाँ में चाहिए। और आपको बताता हूं अब डायरेक्टर्स में क्या लिखा हुआ है। डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए ना ओआर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ओआर की, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की। अब सोच के देखो, मैं बोल रहा हूं मेरे पास आपकी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट या रिमूव करने का राइट आएगा, तो वो राइट पहला तो मेरे पास कहां से आ सकता है? सर पहला तो मेरे पास आ सकता है वो राइट थ्रू द हाउ यू विल गेट दिस राइट, हाउ अ कंपनी गेट्स राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन अदर कंपनी। तो मैं पहला तो बोलूंगा, अगर आपके पास ओआर पास करने की पावर आ गई, क्या बोला मैं, अगर आपके पास ओआर पास करने की पावर आ गई तो भाई तुम्हारे पास राइट आ गया कि आप उसके मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो या उड़ा सकते हो। सर क्यों? क्योंकि मैं खुद, मेरी कंपनी उस कंपनी का ओआर पास कर सकती है। और ओआर कब पास कर पाओगे? ओआर कब पास होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होता है? जब 50% से ज्यादा हाँ चाहिए होती है। यानी मेरे पास अगर इतने शेयर्स आ गए कि मेरे पास, मैं इतनी वोटिंग कर सकता हूं कि मैं 50% से ज्यादा वोटिंग मेरे हाथ में आ गई है, अगर 50% से ज्यादा वोटिंग मेरे हाथ में आ गई है तो भैया मैं बोल दूंगा मेरे पास उस कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट आ गया। यानी अगर मेरे पास ओआर पास करने की पावर आ जाती है तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास उस कंपनी में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट आ गया है। और सर आप कितने शेयर एक्वायर कर लो, आप कितने शेयर एक्वायर कर लो कि आप मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर पाओ उधर, मतलब आप कितने शेयर्स एक्वायर कर लो कि आप ओआर पास कर पाओ। सर आप कितने शेयर्स एक्वायर कर लो, मतलब वो कंपनी कितने शेयर्स एक्वायर कर ले दूसरी कंपनी के कि वो ओआर पास कर पाए। एक कंपनी उस कंपनी के कितने शेयर्स एक्वायर कर ले कि वो ओआर पास कर पाए, जल्दी बताओ। मुझे अगर ओआर पास करना है अपने दम पे, सिर्फ मैं ओआर पास कर दूं, तो ओआर कब पास होता है? जब मोर देन 50% एक्सेप्टेंस आती है। तो मेरी कंपनी के पास, हम मतलब मैं एक कंपनी हूं, तो मैं इस कंपनी के पास उस कंपनी के कितने शेयर हूं कि तुम्हारा ओआर ये कंपनी पास कर दे मोर देन 50%। तो अगर ये ओआर पास करने का राइट आपके पास आ गया तो आपके पास उस कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट या रिमूव करने का राइट आ जाएगा। वेरी गुड। सर अगर हमारे पास ओआर पास करने का राइट आ जाता है तो हम बोलेंगे हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा उस कंपनी का कि हम उस कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं। पर ये तो हुई एक बात, ये तो क्या हुई एक बात। मैं इसके अलावा एक और केस बताता हूं कि आपको कंट्रोल कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 2, मान लो एक कंपनी है के लिमिटेड, ठीक है। एक कंपनी कौन है? के लिमिटेड। एक कंपनी है जेड लिमिटेड और यह है बैंक। मान लो बैंक ने जेड लिमिटेड को लोन दिया, बैंक ने जेड लिमिटेड को क्या दिया? लोन दिया, ठीक है। बट जेड लिमिटेड अनेबल टू पे द लोन, अनेबल टू पे द लोन। जेड लिमिटेड जो है वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा, वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा। तो के लिमिटेड ने बोला ठीक है हम आपका लोन रीपे कर देंगे। के लिमिटेड रीपेज द लोन ऑफ जेड लिमिटेड। के लिमिटेड ने बोला हम तुम्हारा लोन रीपे कर देंगे, पर इसके बदले तुमसे एक राइट चाहेंगे कि तुम अपने आर्टिकल्स में एक क्लॉज डालो कि तुम्हारी कंपनी में जो डायरेक्टर्स बैठेंगे वो हम बिठाएंगे। सर क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि जेड लिमिटेड ने लोन ले लिया, के लिमिटेड को नजर आया कि भाई जेड लिमिटेड कंपनी जो है इसका ऑब्जेक्टिव और जो इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो इसकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, बट इस कंपनी को मैनेजमेंट अच्छे से करना नहीं आ रहा, ये कंपनी का मैनेजमेंट खराब है एंड वी वॉन्ट
कि ये कंपनी चले, तो के लिमिटेड ने बोला ठीक है आप एक काम करो, आप लोन रीपे करते हैं हम, पर आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स कौन बैठेंगे वो हम बिठाएंगे। तो सर इस हिसाब से, तो सर इस हिसाब से मुरारी, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं अभी तेरे को आंसर देता हूं इसका, रुक जा। सर के लिमिटेड जेड लिमिटेड में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट होल्ड कर लेगा, तो हम बोलेंगे सर अगेन ये के लिमिटेड यहां राइट ले लेगा क्या, मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने का, एंड बाय दिस द के लिमिटेड विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ जेड लिमिटेड। तो ये जो जेड लिमिटेड है, ये जेड लिमिटेड विल बिकम द सब्सिडरी ऑफ के लिमिटेड। Z Limited will become the subsidiary of K Limited. समझ में आई बात? सर और भी केस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज और बता देता हूं, मान लो एक कंपनी है K Limited और एक कंपनी है Z Limited, बोले Z Limited के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वही डायरेक्टर बैठेंगे जिनको K Limited नॉमिनेट करेगा, जैसे मैंने यहां पे बोला, या फिर और भी कुछ ऐसा लिखा हो सकता है, मान लो Z Limited के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिख दिया गया कि Z लिमिटेड में वही बंदा डायरेक्टर बनेगा, Z लिमिटेड में वही बंदा डायरेक्टर बनेगा जो या तो K लिमिटेड में डायरेक्टर होगा या ऑफिसर होगा, वही बंदा पहले वहां डायरेक्टर होगा ना, तो ही यहां डायरेक्टर बन पाएगा। तो सर ऐसा कोई कंपनी अपने आर्टिकल्स में क्यों ही लिखवाएगी, ड्यू टू सम रिलेशन, कि मान लो K लिमिटेड की कोई अपनी कोई कंपनी थी Z लिमिटेड, और Z लिमिटेड जो था Z लिमिटेड जो था वो रॉ मटेरियल बना के किसको सप्लाई करता था, के को। Z लिमिटेड जो था वो रॉ मटेरियल बना के किसको सप्लाई करता था, के को। क्लियर? अब के ने क्या सोचा कि भाई Z को ही क्या बना लेते हैं, अपनी सब्सिडरी बना लेते हैं। तो उसने आर्टिकल्स में ऐसा एक क्लॉज डलवा दिया A लिमिटेड के, Z लिमिटेड के क्लॉज में, Z लिमिटेड के AOA में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लॉज डलवा दिया कि भैया तुम्हारी कंपनी में वही बंदा डायरेक्टर बनेगा जो पहले कहां डायरेक्टर होगा, के में। तो ऐसे भी बन सकता है। अब एक बच्चे का बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया, सर जब आपने हमें ऊपर पूरा एनालिसिस करवाया ये ए वाला, इसमें भी तो आप हमसे मोर देन 50% वोटिंग पावर, मोर देन 50% वोटिंग पावर बोलते चले आए, और जब आपने यहां पे बी वाला एनालिसिस करवाया तो आपने आते ही सबसे पहला वाला लिखा कि आपके पास कंट्रोल तब आएगा जब आप ओआर पास कर पाओगे, और ओआर तब पास हो पाता है जब मोर देन 50% वोटिंग पावर हो पाती है। तो सर ये तो फिर पॉइंट ए ही हो गया ना, बी बी में आपने नया क्या बताया। बेटा जो ये ए था वो सिर्फ क्या था, 50% वोटिंग पावर, बट जो बी है तो बी बोलता है अगर आप दूसरी कंपनी के बोर्ड को कंट्रोल कर लेते हो तो आपके पास होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप बनेगा। बट क्या मैं बोलूं, कंट्रोल करने के लिए सिर्फ वोटिंग पावर ही एक क्राइटेरिया थोड़ी है। ये तो मैं बोल रहा हूं कि हां वोटिंग पावर भी एक क्राइटेरिया है, अगर आप उस कंपनी के 50% ज्यादा इक्विटी शेयर होल्ड कर लोगे ना तो वैसे भी आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर पाओगे, बट दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया ना, शेयर्स वाला ही सिर्फ क्राइटेरिया थोड़ी है। अगर मैं नीचे तुम्हें ये केस ना बताता और मैं बोलता बस सिर्फ देखो यही एक तरीका है जिससे आप बोर्ड को कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर तो ए और बी पॉइंट सेम हो जाता, बट बी पॉइंट में और भी केसेस हैं लाइक दिस। यहां पर आपने शेयर थोड़ी खरीदे, बट बिना शेयर खरीदे भी आप उस कंपनी को कंट्रोल कर पा रहे हो, उसके बोर्ड को कंट्रोल कर पा रहे हो, समझ में आया। तो बी पॉइंट इज नॉट ओनली अबाउट वोटिंग पावर, बी में बोल रहा है हमें नहीं पता आप वोटिंग पावर होल्ड करो ना करो, बी कंडीशन बोलती है अगर तुम उसके बोर्ड को कंट्रोल कर पा रहे हो तो मतलब आप होल्डिंग हो वो सब्सिडरी है, और ये जो कंट्रोल करते हैं इनमें एक तरीका शेयर होल्डिंग भी होता है, तो इसलिए मैंने वो भी लिखा ये वाला, ठीक है। बट इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, तो मैंने ये भी लिखा। समझ में आ गई बात? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा तुमने कि सर यहां पर तो ये भी 50% ज्यादा ही है, ऊपर ए पॉइंट में भी 50% ज्यादा था, तो फिर ए और बी में अंतर क्या हुआ। बी में सिर्फ 50% वाली वोटिंग पावर की बात नहीं चल रही है, बी में और भी चीजें हो सकती हैं, देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, जैसे मैंने ये वाला बताया और अभी मैंने दूसरा वाला भी बताया। क्लियर? चल यहां तक समझ में आ गई कहानी? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई है। डन 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 डन, यस सर यस सर यस सर। चलो जहां आपने वो बिल्कुल बेयर एक्ट वाली लैंग्वेज लिखी थी ना, यहां पे आ जाओ और इसके आगे लिखना शुरू करो। इसके आगे ना एक प्रोवाइजो लिखा हुआ है, इसके आगे एक प्रोवाइजो लिखा हुआ है, लिखो प्रोवाइडेड दैट। ये प्रोवाइजो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है बट लिख के छोड़ दो, प्रोवाइडेड दैट, इसको बहुत बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोवाइडेड दैट
सच क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी layers of subsidiaries layers of subsidiaries हम मेन जो लॉ वाला है वो भी लिख रहे हैं और अपन वाली भी लिख रहे हैं, दोनों ही लिख रहे हैं ना. पहले मैं उधर लॉ लिखवा रहा हूं फिर उधर जो समझा के लिखवाऊंगा वो भी लिख लेना. have layers of subsidiary beyond such number as may be prescribed, beyond such number as may be prescribed. ठीक है, अब बस ये लिख के छोड़ दो, अब ये समझना नहीं है. ठीक है, वापस आओ. यहां तक समझ में आ गई, दोनों कंडीशन क्लियर है? हाँ सर, दोनों कंडीशन एकदम क्लियर है. आगे चलो, एक बार बताओ. मान लो कि ये जो तरुण है ना, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, और ये तरुण है और ये तृप्ति है. ठीक है, मान लो कि जो ये तृप्ति है ये तरुण की दोस्त है. ठीक है, मान लो कि जो तृप्ति है ये तरुण की दोस्त है, ये तरुण की फ्रेंड है. ठीक है, और तरुण जो है ना वो मेरा दोस्त है. मान लो ऐसा कि तरुण किसका दोस्त है? मेरा दोस्त है. तो ये देखकर मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर तृप्ति तरुण की दोस्त है और तरुण जो है वो मेरा दोस्त है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ कि सर देखा जाए तो ये तृप्ति आपकी भी दोस्त हो गई एक तरीके से. भाई मेरे दोस्त का जो दोस्त है वो एक तरीके से मेरा भी दोस्त है. ट्रांजिटिव रिलेशनशिप. निकम्मा. अगर सर ये तृप्ति जो है ये तरुण की दोस्त है और तरुण जो है वो करण का दोस्त है, तो फिर इस हिसाब से तो तृप्ति करण की भी दोस्त है. बस यही एक रिलेशनशिप यहां पर भी लगाना है. अगर सर मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, एक कंपनी है सी लिमिटेड. सर अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर होल्ड करता है तो बी इज द सब्सिडरी ऑफ ए. सर बी लिमिटेड सी लिमिटेड में 53% वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो सर इस हिसाब से सी लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड. सी लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड. तो सर अगर बी ए की सब्सिडरी है, सी बी की सब्सिडरी है, तो सर इस हिसाब से सी ए की भी सब्सिडरी हो गई. सर इस हिसाब से सी ए की भी क्या मानी जाएगी? सब्सिडरी मानी जाएगी. तो मैं यहां लिखूंगा सर सी इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ ए. और इसे कहा जाता है, नहीं नहीं वो ऐसा बैंक लोन का कोई मिनिमम अमाउंट नहीं था वो ऊपर वाले केस में. सी को कहा जाता है सब्सिडरी ऑफ ए. तो सर हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड चेन रिलेशनशिप. क्या बोलेंगे इसको? चेन रिलेशनशिप. सर दिस इज कॉल्ड चेन रिलेशनशिप. अगर बी ए की सब्सिडरी है, सी बी की सब्सिडरी है, तो इसका मतलब सी ए की भी सब्सिडरी है. इसी को नाम दिया जाता है सर चेन रिलेशनशिप. मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी मानी जाएगी. मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी
भी मेरी सब्सिडरी मानी जाएगी. इज इट क्लियर? अच्छा बताओ, बी सी की होल्डिंग है, जल्दी बताओ क्या बी सी की होल्डिंग है? क्या बी सी की होल्डिंग है? प्लीज टेल फास्ट. हां सर. क्या बी सी की होल्डिंग है? हां सर. क्या ए सी की होल्डिंग है? क्या ए सी की होल्डिंग है? जल्दी बोलो, क्या ए सी की होल्डिंग है? हां सर, ए सी की होल्डिंग है. क्योंकि अभी तो बोले आप, अगर सी बी की सब्सिडरी है, बी ई की सब्सिडरी है, तो सी ए की भी सब्सिडरी हुई, तो इस हिसाब से ए सी की होल्डिंग हुई. तो क्या ए सी की होल्डिंग है? हां. क्या बी सी की होल्डिंग है? हां. तो सी की तो दो होल्डिंग हो गई, तो सी की तो दो होल्डिंग हो गई. तलुन भैया ओले ले ले ले. तो सी की तो दो होल्डिंग हो गई, एक ए जो है वो भी सी की होल्डिंग है, एक बी जो है वो भी सी की होल्डिंग है. आप तो बोल रहे थे कि एक कंपनी की दो होल्डिंग नहीं होती, एक कंपनी की दो होल्डिंग नहीं होती. का हुआ, का हुआ मेरे बच्चे, का हुआ सर? दो होल्डिंग हो सकती है क्या? तो यहां तो नजर आ रहा है कि हाँ दो होल्डिंग हो सकती है. तो मैं तुमको बताऊं, एक सब्सिडरी की दो होल्डिंग हो सकती है. तुम्हारे सामने मैंने निकाल के दिखाया चेन रिलेशनशिप, पर ये तो बच्चे बच्चे वाला सवाल हो गया, ये तो बच्चों वाला आंसर हो गया. सर मैं इसके अलावा एक और खतरनाक चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा. इसके अलावा भी एक केस है जहां पर एक सब्सिडरी की दो होल्डिंग हो सकती है. देयर इज अनदर केस ऑल्सो वेयर देयर कैन बी टू होल्डिंग ऑफ वन सब्सिडरी, ठीक है, बट वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद. चलो अब एक काम करो, जरा यहां आ जाओ और इसके बाद आप यहां लिख लो, ये जो आपने प्रोवाइजो लिखा ना, इसके नीचे आप लिख लो, ये बेयर वाले के नीचे. इसके बाद यहां पर लॉ ने क्या डाली, चार एक्सप्लेनेशंस. एक्सप्लेनेशन नंबर 1, 2, 3, 4. इसके बाद यहां पर क्या डाली गई, चार एक्सप्लेनेशंस. 1, 2, 3, 4. तरुण भाग गया. एक्सप्लेनेशन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है. वो एक्सप्लेनेशन क्या डाली, आओ मैं पढ़ाता हूं इधर से. अच्छा ये बुक्स जो है ना, ये आप तक मंडे ट्यूजडे तक पहुंच जाएंगी माइट भी, ठीक है. सर एक्सप्लेनेशन क्या डाली, आ जाओ. पहले पढ़ते हैं बी वाली. द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अनदर कंपनी बाय द एक्सरसाइज ऑफ सम पावर डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर. यानी अगर कोई दूसरी कंपनी हमारी कंपनी के ऑल या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का राइट ले लेगी, तो हम ऐसा मान लेंगे कि उस कंपनी के पास हमारी कंपनी का क्या आ गया, कंट्रोल आ गया. तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, वही चीज को एक्सप्लेनेशन में डाला हुआ है, ठीक है. सी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको समझा दी है. द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, ओके सर. डी अभी मैं नहीं कराऊंगा, डी को आप स्टार मार्क कर देना, डी को अभी नहीं करेंगे क्योंकि डी मैं वो प्रोवाइजो के साथ ही पढ़ाऊंगा, जो लेयर वाला कॉन्सेप्ट है उसके साथ समझाऊंगा, तो डी अभी नहीं कर रहे हैं. और लास्ट ए देख लो, मुझे बताओ ए में किस चीज की बात हो रही है. ए बोल रहा है अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी. ये क्या बोलना चाह रहा है, एक कंपनी को सब्सिडरी कंपनी मान लेंगे किसी होल्डिंग कंपनी का, अगर वो होल्डिंग कंपनी इवन इफ कंट्रोल रेफर टू इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2. कंट्रोल मतलब ये बात हो रही है, या तो बोर्ड को कंट्रोल करने की पावर या मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, अगर ये आप होल्ड करते हो आपका खुद का उस कंपनी में ये कंट्रोल नहीं है, बट आपकी सब्सिडरी उस कंपनी में कंट्रोल करती है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी बन जाएगी. दोबारा पढ़ना, कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, एक कंपनी को मेरी सब्सिडरी कंपनी मान लिया जाएगा. अच्छा इवन कंट्रोल्ड ये वाला या ये वाला, बोर्ड को कंट्रोल करने की पावर या मोर देन 50% वोटिंग पावर, मेरी नहीं है उस कंपनी में, मेरी पावर नहीं है क्या करने की, बोर्ड को कंट्रोल करने की या मोर देन 50% वोटिंग पावर, मेरी नहीं है,
बट मेरी एक सब्सिडरी है, वो सब्सिडरी की उस कंपनी में ये या ये पावर्स हैं, तो वो वाली कंपनी मेरी सब्सिडरी मान ली जाएगी। पता है किसकी बात हो रही है? चेन रिलेशनशिप की। यहां लिख लेना ये किसकी बात हो रही है। सर ये बात हो रही है चेन रिलेशनशिप की। मतलब सर ये एक होल्डिंग कंपनी है ए, एक सब्सिडरी कंपनी है इसकी बी, इसका इसमें 58% वोटिंग पावर है, तो ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है, और ये जो बी है ये आगे सी में 58% वोटिंग पावर रखती है। तो मैंने बोला ये जो ए होल्डिंग कंपनी है ना, ये कंपनी का डायरेक्टली तो इसमें कुछ नहीं है, पर इस कंपनी की एक सब्सिडरी है, जो सब्सिडरी आगे उस कंपनी में कोई वोटिंग पावर या कंट्रोल रखती है, बोर्ड को कंट्रोल करने की पावर, तो ये वाली कंपनी इसकी भी क्या मानी जाएगी? सब्सिडरी मानी जाएगी, डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी। यहां लिखा है वो चेन रिलेशनशिप वाली बात, समझ में आई? देख लो, अ कंपनी करके दिखा रहा हूं और थोड़ा हाईलाइट करके बता रहा हूं, अ कंपनी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी इफ इफ कंट्रोल इन पॉइंट वन एंड पॉइंट टू, मतलब वो दो पावर्स कौन सी, बोर्ड को कंट्रोल करने की पावर या मोर देन 50% वोटिंग पावर, इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अब समझ में आ गया, इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में वो दो पावर रखती है, तो वो जो वो दो पावर रखेंगी, तो वो वाली कंपनी इसकी सब्सिडरी बनेगी, और वो वाली कंपनी डीम्ड टू बी सब्सिडरी मान ली जाएगी उस होल्डिंग की भी। इसी को बोलते हैं चेन रिलेशनशिप, इसी को क्या बोलते हैं, चेन रिलेशनशिप। समझ में आ गई कहानी, जल्दी बोलो, इसी को बोलते हैं चेन रिलेशनशिप। क्या यहां तक की सारी कहानी क्लियर हो गई है? एकदम बढ़िया से बता दो, डन 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 है मामला? प्लीज 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 बताओ, क्या मामला डन 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 हो गया है? बोलो 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 बोलो, बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। प्रोवाइडेड वाला अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये प्रोवाइडेड वाला अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसको छोड़ देना, इसको नहीं पढ़ना अभी, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ोगे। लिखना रहता है तो यही है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही मैंने सामने लिखा ये रहा, प्रोवाइड दैट सच क्लास और क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन बोलो, डन डनाडन डन डन डनाडन डन सर, डन डनाडन डन। तुम्हें एक होमवर्क दूं है, तुम्हें एक होमवर्क दूं, एक होमवर्क दूं, अरे यार एक होमवर्क दूं, एक क्वेश्चन लिखो, ट्राई करना आज रिवाइज करने के बाद, और सारा रिवाइज करके आना, और ये नोट्स अभी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूं, लिखो एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, एक कंपनी है सी लिमिटेड, एक कंपनी है डी लिमिटेड, एक कंपनी है ई लिमिटेड, एक कंपनी है एफ लिमिटेड, सर सर बस ना सर, प्लीज सर प्लीज सर प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, जी लिमिटेड, और एक कंपनी है, रुको, एक कंपनी है ई, एक कंपनी है एफ लिमिटेड, एक कंपनी है जी लिमिटेड, और एक कंपनी है एच लिमिटेड। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे हम। और एक कंपनी है इन सबके बीच में जिसका नाम है प्यारा सा करण लिमिटेड। ठीक है, अब हुआ कुछ यूं, जो ए लिमिटेड है ये बी लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर होल्ड करता है, जो बी है ये सी में 65% वोटिंग पावर होल्ड करता है, सर जो सी है वो डी में 64% वोटिंग पावर होल्ड करता है, जो डी है ये ई में 20% वोटिंग पावर होल्ड करता है, जो ई है ये करण में 31% वोटिंग पावर होल्ड करता है, जो एच है ये ई में
42% वोटिंग पावर होल्ड करता है। जो जी है ये एच में कंट्रोल रखता है बोर्ड कॉम्पोजिशन का, जो एफ है ये जी में कंट्रोल रखता है बोर्ड कॉम्पोजिशन का, और जो ए है ये एफ में कंट्रोल रखता है बोर्ड कॉम्पोजिशन का। ठीक है, और ये जो ए है ना ये करण में 20% वोटिंग पावर होल्ड करता है। यू हैव टू टेल, क्वेश्चन इज हु इज सब्सिडरी ऑफ होम, बस ये तुम्हें लिख के आना, कौन किसका सब्सिडरी है ये आपको लिख कर आना है। क्लियर क्लियर क्लियर। सो आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट, मस्त एकदम अच्छे समझ में आया होगा। जरूर से जरूर लाइक करना, सबके साथ दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, भेजो सबको, और डू कमेंट ऑल्सो। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्लीज प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से रिवाइज करते चलोगे उतना चीजें और लेवल अप होगा, तो बेस जितना अच्छा होगा, जितना हमारा अच्छे से क्लैरिटी रहेगी, उतना रिटेंशन बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। कल की क्लास का इंटीमेशन एक बार YouTube चैनल पे चेक कर लेना है ना, अगर कल की क्लास सुबह की शेड्यूल्ड हुई तो होगी फिर क्लास, क्योंकि YouTube पे तो पब्लिक लाइव है ना अभी, तो उस पर चेक कर लेना एक बारी कि आज शाम को शेड्यूल हो गई है कल सुबह की तो है, इसका मतलब अगर शेड्यूल नहीं हुए तो फिर इसका मतलब कल नहीं है। ठीक है, सो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी हार्ड, एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।